एक बार सभी फिर से जयकारा लगाएंगे, जय श्री कृष्णा का। जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय श्री जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। जय जय श्री श्री कृष्णा। जय कृष्णा। श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी। चलिए, आज का जो हमारा वेबिनार है वो नाम ही अपने आप में कहते ना सब कुछ रिवील कर रहा है। हीलिंग एंड मैजिकल ऑयल, इसके लिए आज हम वेबिनार कर रहे हैं आप सभी के लिए। अच्छा, बहुत काफी सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर ऑयल एंड मैजिकल ऑयल एंड हीलिंग ऑयल का कोर्स लेकर आइए। तो मैंने योगलक्ष्मी मैम से बात की और आप सभी के लिए अब आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मैजिकल ऑयल का, हीलिंग ऑयल का। और उससे पहले कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर इसका वेबिनार भी आप कीजिए, तो ये वेबिनार उसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ओके, तो आज हम जानेंगे कि ऑयल की मदद से आप कैसे किसी भी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ओके, इसीलिए इसका नाम है हीलिंग एंड मैजिकल ऑयल। हील तो करता ही है, लेकिन मैजिक भी दिखाता है ऑयल। मैंने खुद इसके रिजल्ट्स देखे हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आप में से अगर किसी कोई क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस, तो हम वो ले लेते हैं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस, जिसने भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज हैंड रेज कर सकता है। कोई भी जनरल क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, केमिस्ट्री, लाल किताब, कुछ भी। तब तक आप सोच लीजिए क्वेश्चन को, तब तक मैं आप सभी के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में हम क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक, अगले 15 दिनों में आपको इस एक्स्ट्रा गैलेक्सी प्लेटफॉर्म की ओर से बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सबसे पहले हम एक 3 दिन की वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं फेंगशुई की, फेंगशुई वास्तु, जो कि चाइनीज वास्तु है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप सभी के लिए। 3 दिन की वर्कशॉप करेंगे फेंगशुई की, कि फेंगशुई एग्जैक्ट होता क्या है और उस फेंगशुई के कॉन्सेप्ट को हम इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से यहाँ पर कैसे फिट करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है एज इट इज सब कुछ लगता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन आप चाइना की और हिंदुस्तान की देखेंगे तो काफी अलग है, लेकिन फिर भी उस चाइनीज वास्तु को जिसको बोलते हैं फेंगशुई, उसको कैसे हम इंडियन में फिट करेंगे ये आपको सिखाएंगे। इसके बाद एक 2 दिन का वास्तु वर्कशॉप नेक्स्ट वीक में हम लॉन्च कर रहे हैं आप सभी के लिए, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपके बहुत सारे मिथ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा वास्तु के फोन आते हैं आप सभी के, जो पढ़कर गए हैं या जो पढ़कर नहीं गए हैं, जो वास्तु की हमारी जो वीडियोज है उनको सुनकर आते हैं, बहुत सारे मिथ हैं आपके वास्तु को लेकर। तो सारे मिथ यहाँ क्लियर किए जाएंगे और यहाँ पर आपको जो माँ वास्तु की जो रेमेडीज है उससे आप कैसे अपने घर को बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे लेंगे, तो ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। इसके बाद 2 दिन की हमारी नेम करेक्शन इन न्यूमरोलॉजी। आपने बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए होंगे, जो लोग पहली बार हमारे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसको मिस करना ना भूलिएगा, क्योंकि लोगों में अभी भी यह है कि नाम चेंज कराने से दुनिया पलट जाती है, छप्पर फट जाते हैं, और ऐसा लगता है कि सभी को नाम चेंज करने की जरूरत है ना। इन्हीं सब का आंसर मैं यहां देने वाला हूं कि नाम करेक्शन किसको जरूरत है करने की, क्योंकि मार्केट में 100 कॉल्ड जो न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को बोलते हैं भरे पड़े हैं। ओके, उनके पास एक ही टूल है कि आपका नाम चेंज करा देते हैं और आप भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, अरे नाम चेंज हो गया आप तो छप्पर फट जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट नाम चेंज किसको जरूरत है करने की, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ और आप सभी के वहां पर मैं कंसल्टेशन देने वाला हूँ कि किसका नाम ठीक है किसका नहीं है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। 2 दिन की वर्कशॉप चलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक टैरो की डिमांड आ रही है सर, एक बार फिर वर्कशॉप कर लीजिए। टैरो में तो भगवान ने स्पेशल ब्लेसिंग दी हुई है हमें, अब तक लगभग लगभग 9,000+ स्टूडेंट में टैरो के पढ़ा चुका हूँ, और हिंदुस्तान का कोई ऐसा ऐप नहीं है जहां पर हमारे बच्चे ने धूम नहीं मचा रखी टैरो कार्ड। तो 2 दिन की वर्कशॉप ले रहे हैं इस बार हम, टैरो का थोड़ा कहते हैं ना क्रश आपको बताऊंगा कि टैरो काम कैसे करते हैं, और यहाँ पर भी आपकी फ्री कंसल्टेशन स्टूडेंट के द्वारा आपको दी जाएगी। तो ये 4 कोर्स अगले 15 हफ्ते से 10 दिन या 15 दिन में आप सभी के पास आने वाले हैं, तो इनको एंजॉय कीजिएगा। और ये जो फ्री की चीज होती है हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है, तो इस हमारे हमें सपोर्ट कीजिए, इस लिंक को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और हमसे जुड़वाइए।
ओके, एटलीस्ट फ्री के कोर्स में तो कराइए। चलिए, योगलक्ष्मी मैम सारे शायद आ गई हैं। यस, योगलक्ष्मी मैम आ गई हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, हीलिंग एंड मैजिकल ऑयल। मैम पहले बताइए, इसको मैजिक क्यों बोलते हैं? ये भी बच्चे ने अभी व्हाट्सएप से पूछा था कि सर इसमें मैजिक क्या है। मैंने कहा कुछ बेटा मैजिक ही होता है इससे। यस सभी हाँ जी, बिल्कुल को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुन क्लियर आ रही है। रहे नहीं हैं? यस भी बोल रहे थे तब भी आ रही थी लोगों को, क्योंकि मैम। मन आप बच्चों के साथ ना वो इस फिजिकल वर्ल्ड से नहीं, मेटाफिजिकल वर्ल्ड से भी जुड़े हो। चलिए तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, सभी के भीतर के परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। आज के सेशन के लिए मैं अपनी एनर्जीज को आपसे कनेक्ट करती हूँ। तो जैसे कि डॉक्टर नागेश ने बोला है कि मैजिक ऑयल्स क्यों बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारी मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए हम इसे मैजिक ऑयल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऑयल्स बनाते हैं हम, बहुत सारी चीजें बनाते हैं जिससे आपको इसका मैजिकल रिजल्ट मिलता है, जादुई रिजल्ट मिलता है। मैं सभी को म्यूट किया है कि एक अच्छी रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज अपने आप को। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, सबसे पहले तो एस्ट्रो गैलेक्सी का डॉक्टर नागेश का थैंक यू, जिन्होंने ये वर्कशॉप कराई हम सबके लिए। तो काफी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, काफी लोगों ने वॉइस मैसेजेस भेजे कि मैम ऑयल्स की जो वर्कशॉप है आप कराओ, और ऑयल्स का कोर्स जो है हमें करना है। तो उसके साथ साथ मैं चाहती थी कि एक 1-to-1 सेशन भी जरूर हो, जिसमें आज मैं मोस्टली कवर करने की कोशिश करूंगी कि आप में से जितने लोग हैं सबकी एक एक प्रॉब्लम, अगर किसी को कुछ भी पूछना है मुझसे, पर्सनल क्वेश्चन को हैंडल करूंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये वर्कशॉप रखी। तो मैजिक ऑयल्स काफी लोगों ने जो ग्रुप में है अभी, इसमें काफी लोगों ने किया भी हुआ है मेरे साथ पहले, आई होप किया हुआ है। हैंड रेस कर दो प्लीज जिन्होंने किया है मेरे साथ ये वर्कशॉप। हाँ जी, अशोक जी ने किया है, दो लोगों ने किया है। यस हिना न्यू। ठीक है, तो एक बार सब लोग प्लीज कैमरास ऑन कर लो। मैं इस तरह से एनर्जीज को कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। जिन्होंने मेरे साथ कोर्सेस किए हैं उनको सबको पता है कि एक बार हम कैमरा ऑन करके एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। रोशनी के नाम से जो भी कोई है प्लीज कैमरा ऑन कर लो। मननी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। सब लोग कैमरा ऑन कर लो, सब पुराने बच्चे हैं मेरे। आई कैन सी ऑल फेसेस। कुछ नए चेहरे भी हैं। चलिए, आज तो शर्मा जी भी आए हैं। वाह शर्मा जी, आप रेकी वो लेवल 1 करके गायब हो गए। एसके शर्मा जी आपसे बात कर रही हूँ मैं। आपने लेवल 1 किया और उसके बाद भाग गए, क्या हाँ जी, हो हाँ जी गया? मैडम, मैंने लेवल 2 की आपकी वो ऑडियो ली है, से वीडियो ली है। मैं देख रहा हूँ, अभी एक ही वीडियो देखी है आज, अच्छा, तो आपको बाकी लेवल 2 वीडियो करना चाहिए था। लेवल 2 के टाइम ना मुझे कहीं बाहर मैरिज आ गई, कहीं बाहर जाना पड़ा, तो फिर हाँ मैंने सर अशोक, से बात करके उनसे मैंने वीडियो हाँ ली। शर्मा जी ने बोला था, पहले ही बोल दिया था उन्होंने कि सर मैं लाइव अटेंड नहीं कर पाऊंगा। हाँ मैं शर्मा जी की वेट कर रही थी कि शर्मा जी अटेंड करेंगे वीडियो को। थैंक यू मैडम, थैंक यू। नहीं, लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया, तो दैट इज व्हाई मैंने आज आपको देखा तो पकड़ लिया आज के शर्मा जी कहाँ गायब हो गए थे आप। चलिए गुड। हाँ जी, तो मैजिक ऑयल्स सब लोगों को तो पता है, जिन्होंने कैंडल का कोर्स मेरे साथ किया है और स्विच किए हैं, तो हम कुछ ऑयल्स को यूज करते हैं। रेकी में भी मैंने बहुत सारे ऑयल्स के बारे में बात करी थी। तो ऑयल्स क्या होते हैं? क्या होता है कि कैंडल मैजिक जब हमने किया था, कैंडल मैजिक का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। देखो सब चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है। ये दुनिया ही है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चल रही है। हम जिस चीज को भी अट्रैक्ट करेंगे वही हमारे सामने आ जाएगी, ऐसा ही है। जिस चीज को भी देखेंगे वो हमें मिल जाएगी, और जैसा भी देखेंगे वैसे ही मिल जाएगी, ऐसा है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से आप चीजों को देख रहे हो और आप उन चीजों को विजुलाइज कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिकली जो है ये चीजें जो हो जाती हैं अपनी लाइफ में 100% हो जाती है। चीजें ऐसी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज को जल्दी खींचती है, जैसे कुछ एसेंसेस
खुशबू, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे स्पेल्स हम करते हैं, जैसे बे लीफ का स्पेल करते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत चल रहा है बे लीफ स्पेल, है ना, वन डे वर्कशॉप। तो इस तरह की जो चीजें हमारी किचन में, कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिससे हम ऑयल्स बनाते हैं, वो उन सब चीजों को इकट्ठा करके हम ऑयल्स बनाते हैं। इस वर्कशॉप में आपको सबसे पहले तो ये समझाया जाएगा कि कौन सी चीजें जो है किस किस चीज के लिए हम यूज करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम पूजा में कपूर को क्यों यूज करते हैं, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? एनीवन, एनीवन विद लॉजिक, कोई भी हैंड रेस करके बता सकते हैं। अच्छा प्रिया हमारा पुराना स्टूडेंट नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है। चलो आशा, आशा से पूछते हैं। आशा जी बताइए। मैम प्रणाम पहले तो, और मैम दूसरा ये है कि मैं आपका नंबर नागेश सर से पिछले एक हफ्ते से मांग रही हूँ, बट वो इतने बिजी है मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैंने रेकी लेवल की आपकी फर्स्ट लेवल की वीडियोस देखी, मुझे सेकंड ज्वाइन करना था, बट आपने कहा था कि 21 दिन का पहले मेडिटेशन कीजिए उसके बाद ज्वाइन करेंगे। तो मैंने 3 या 4 दिन से, तीन दिन से स्टार्ट किया है, और मैम आज मैंने हर सांस पे आपका नाम लिया है, ट्रस्ट मी, यू कैन चेक इट, हर सांस पे आपका नाम लिया है 21 मिनट की मेडिटेशन पे, कि मुझे योग लक्ष्मी मैम से मिल जाए, मैम मुझे मिल जाए, मैम आप मुझे मिल गई, प्लीज नंबर दे दीजिएगा मैम। एक्चुअली मैम पहले बाहर गई थी, मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने नंबर नहीं दिया। मैंने बताया जी था ना आपको कि मैम अपने गुरु के जी पास हाँ, बुद्ध गई थी। पूर्णिमा हाँ जी, है ना, तो ये अभी मंडे को ही वापसी आई है, मंडे या ट्यूसडे को। डॉक्टर नागेश ने ठीक मुझे है बोला था कि बुद्ध पूर्णिमा पे स्टूडेंट्स को कुछ ध्यान कराया जाए, तो मैंने डॉक्टर नागेश को बोला कि बुद्ध पूर्णिमा पे मैं ध्यान नहीं कराऊंगी, मैं खुद जाना है मुझे। हमें भी, मैं जी नॉर्मली एवरी मंथ की पूर्णमासी के दिन मैं जाती हूँ किसी स्पिरिचुअल जगह, ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने आप को भी रिगेन करते हैं, हमारा भी एक सोर्स है, हम अपने उस सोर्स के पास जाते हैं, ओके लेके आते हैं। और फिर जब हम वापस आते हैं तो नॉर्मली मैं तब सेशंस कराती हूँ। पिछला जो रेकी लेवल 1 था वो आज तक का हमारा सबसे दी बेस्ट गया है, जितने पेड सेशंस हुए हैं फ्री वाला वो सेशन दी बेस्ट गया है। मुझे इतने सारे ओके मैसेजेस आए फोन पे, सब लोगों ने मुझे बोला कि मैम जो आपने रेकी लेवल 1 कराया उस बार बार सुनने का मन करता है। तो जब भी हम साधना के बाद हम वापस आते हैं तो कुछ नया लेके आते हैं बच्चों के लिए। आज भी मेरे पास कुछ चीजें नहीं है आप सब लोगों के लिए, जिन लोगों ने भी ये मेरा वेबिनार ज्वाइन किया है, आज मैं कुछ ऐसा प्रसाद सबको दूंगी, ऐसा कुछ दूंगी सबको जो मुझे मेरे गुरु से मिला। सपना खुश हो गई ये मौके पे चौका मारते हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों के लिए ये पूर्णमासी, अमावस, ये जो दिन होते हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे हमारे कपूर की, हम कपूर क्यों यूज करते हैं, है ना आशा, हाँ बताओ मैम, क्यों? मैं पूजा में यूज इसलिए करती हूँ, जहां तक मुझे नॉलेज है, कि जो भी मेरी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरी लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो मैंने सुना है कि लाइक उनको यूज करने से वो सारी खत्म हो जाती है, तो इसलिए मैं यूज करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो और कोई बताएगा? ये आधा आंसर है। प्रिया आप बताओ कपूर क्यों यूज करते हैं? जय जय श्री कृष्णा माँ। श्री कृष्णा। कपूर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसको बर्न करने से एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सोर्स है, वो गुड सोर्स है, और नेगेटिविटी रिमूवल है वो। अच्छा नेगेटिविटी रिमूवल है, चलिए ये भी आता है, अभी ये पूरा जानना है मुझे। हाँ ज्योति बताइए। मैम उसकी जो खुशबू है वो अपने में एक सूदिंग है, और वो उसकी खुशबू की वजह से ही, मतलब ऐसा पर्सनली मैंने आपको सेशन नहीं लिया बट पर्सनली व्हाट आई फील, क्योंकि जब वो एक चलन चला था, जब माता निकलती थी ना तो गले में, बच्चों के गले में कपूर बांधते थे कि इसकी स्मेल से कोई बीमारी नहीं लगती, कुछ नहीं होता, तो ऐसा भी है कुछ। अच्छा चलो ठीक है। तो हाँ जी अभिषेक जी भी आए हैं, अभिषेक जी बताइए, आप बताइए।
जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री मैम मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ, नागेश सर का भी और आपका ही स्टूडेंट हूँ मैम। जी मैम, पॉजिटिव आयंस निकलते हैं मैम जो आसपास की नेगेटिव आयंस को बैलेंस करके एक बहुत अच्छा सा माहौल क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, अभिषेक जी ये बताइए, लॉन्ग क्यों यूज करते हैं पूजा में? मैम लौंग जब हम जलाते हैं तो उसमें से जो फ्रेग्रेंस निकलती है वो हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करके हार्मोन्स रिलीज करती है, तो उससे बहुत सूदिंग और काम इफेक्ट आता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है मैम। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ कि हम ये सब चीजें क्यों यूज करते हैं। कोई भी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो पूजा में यूज करते हैं, हम हवन में यूज करते हैं, उनका फ्रेग्रेंस एक अलग तरीके का होता है। ऐसा क्यों होता है? उनके फ्रेग्रेंस है, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल रीजन, ठीक है, साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ। हमारी बॉडी में कुछ न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। जब मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि गहरी लंबी श्वास लो, जब आप नाभि से श्वास लेते हो तो आपके नाभि से न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। जब वो ब्रेन में जाती है श्वास, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है, जब तो आपके ब्रेन से एक न्यूरॉन करके एक सेल्स निकलते हैं जो आपके डीएनए को, आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं और एंग्जाइटी को रिलीज करते हैं। दे आर हैप्पी हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स बोले, हैप्पी सेल्स बोलते हैं उनको। तो जितनी भी ये सारी चीजें हैं पूजा में हम यूज करते हैं, इनकी जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो हमारे भीतर की जितनी स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी लेवल है, उसको रिलीज करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? क्योंकि उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे, सबसे पहले तो ऑरा को क्लीन करता है, ये हमारा स्पिरिचुअल रीजन है। हमारे ऑरा को, नेगेटिव ऑरा को वो वॉश ऑफ करता है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होती है, उससे हमारे ब्रेन को जो न्यूरॉन्स चाहिए वो रिलीज करवाता है ये। थर्ड लेवल, थर्ड में ये है कि ये रोड ओपनर होते हैं, हमारी ब्लॉकेजेस। अब रोड ओपनर कैसे होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे हम कोई चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने किसी चीज को मैनिफेस्ट किया और वो उस हिसाब से नहीं हो रही है, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि मेरे विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है। अगर मैं विजुअलाइज भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ, बट स्टिल देर इज अ ब्लॉकेज, तो वो ब्लॉकेज किस तरह से रिलीज होगा, वो खुलेगा कैसे? वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लेके यूनिवर्स तक जो मैसेज जाता है उसमें ही वो ब्लॉकेज होती है। उस ब्लॉकेज को रिलीज करने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके ही न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, इसीलिए हम ये सब चीजें यूज करते हैं। जब ये सब चीजें अग्नि के साथ कंबाइन हो जाती हैं तो ये पूरा पॉजिटिव ऑरा जो होता है वो इंक्लाइन करती हैं, ऊपर की तरफ बढ़ाती हैं। आपका कभी भी देखना, हवन के बाद अगर किसी को ऑरा देखना आता है तो अपना ऑरा देखना, आपका ऑरा खुद ब खुद बड़ा हो जाता है, एक पॉजिटिविटी आती है। हवन की अग्नि बोलते हैं ना, पूरे घर में फैलने दो, जाने दो धुआं। हम नॉर्मली बिल्कुल धुएं को वो भी नहीं कर सकते, पास भी नहीं खड़े हो सकते, लेकिन हवन के धुएं को क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें से जो खुशबू निकल रही होती है वो हमारे अंदर जाके हमारे न्यूरॉन्स को रिपेयर करती है, हमारे डीएनए को रिपेयर करती है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो भी सेल्स है उनको एक्टिवेट करके हायर वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करती है। तो वो कोई जादू ही वो नहीं है कि हमारे हर एक चीज का ऑरा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, लेकिन सब चीजें हमारे ब्रेन से ही शुरू होती हैं। हम सब लोग आपस में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कनेक्टेड हैं, ये तो आप सब लोग मानते हो ना कि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने घर पे कपूर जलाना शुरू कर दिया 6 बजे के आसपास। मोस्टली जितने यहाँ लाल किताब वाले लोग हैं वो ये उपाय जरूर देते हैं कि कपूर जलाओ जी, है ना, लौंग जलाओ, गूगल लुबान लगाओ। तो ये सारी चीजें क्यों बोलते हैं? नेगेटिविटी का जो एक पैटर्न बना हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए। अब वो पैटर्न कहाँ बना हुआ है? हमारे घर ने तो नहीं बनाया ना, हमारे घर की चीजों ने नहीं बनाया, लेकिन जो लोग हायर वाइब्रेशन के उस घर में रह रहे हैं उनके ब्रेन से ही ये बना है पैटर्न, उस पैटर्न को ब्रेक किया जाता है। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को इकट्ठा करके मैजिक ऑयल की वर्कशॉप में ये सिखाया जाएगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो किस चीज के लिए हम यूज करते हैं। हमारी किचन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खाने में यूज करते हैं,
लेकिन हम अगर उसे पर्सनली अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके इकट्ठा करके, उन सब चार पांच चीजों को इकट्ठा करके कुछ इन्वेंशन करें, तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ये इंडिया से ही निकला था, इंडिया से निकल के ये साउथ अमेरिका, अमेरिका, हर जगह ये गया। इसको मैजिक ऑयल बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, लेकिन ये यहाँ पे इंडिया में, कहते ना शनिवार के दिन सरसों के तेल में तिल डाल के जलाया जाए। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये नहीं है कि शनिदेव जो है वो सरसों का तेल पी जाएंगे और तिल उनको टेस्टी लगते हैं वो खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब वो जो कॉम्बिनेशन है ना, जब वो इकट्ठा जलता है, वो जो कॉम्बिनेशन इकट्ठा जलता है वो आपके पैटर्न को ब्रेक करता है। अब ये समझने की बात है कि ऐसा क्यों बोला जाता है, चमेली के तेल के साथ सिंदूर ही क्यों मिक्स किया जाता है? हनुमान जी को क्या वो सिंदूर पसंद है? बिल्कुल, कलर इज गुड, क्योंकि वो भाव था उनका, एक प्योरिटी का भाव था राम जी के लिए। लेकिन व्हाट इज द रीजन? हर एक पदार्थ, हर एक चीज एक एनर्जी कैरी करती है। एक छोटा सा लौंग का पीस है, वो भी एनर्जी कैरी करता है। इतना सा गूगल लुबान जो है वो भी एनर्जी कैरी करता है। आम की लकड़ी है, वो भी एनर्जी कैरी करती है। हम क्या करेंगे इस कोर्स में? इन सब चीजों के कॉम्बिनेशंस को बनाएंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत तरह के ऑयल्स बनाने सीखेंगे। सबसे फेमस जो हम ऑयल बनाते हैं नॉर्मली, मतलब मार्केट ही बोलूंगी, मार्केट में बड़ा चल रहा है आजकल मनी ऑयल, है ना? मनी ऑयल, तो सबको मनी ऑयल बनाना सिखाया जाएगा कि मनी को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। हर समय तो वो चीजें हम नहीं रख सकते ना अपने पर्स में, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, वो क्या करते थे, जहां भी वो अपना लॉकर का सामान, जो भी गहने रख थे, जो भी पैसे रखते थे, या अपने वॉलेट में, हमारी दादी नानी अपने छोटे से पर्स में खूब सारी इलायची, सुपारी, लौंग, ये सब चीजें रखती थी। कभी सोचा उसका क्या रीजन होगा, क्यों रखती थी? अट्रैक्ट करते हैं चीजों को, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करें? एक छोटी सी इलायची पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर लेगी? नहीं पता क्या है इन सब चीजों की जो खुशबू होती है ना, सेंसेस होते हैं इसके, है ना? वो जब भी हम अपने हैंड बैग को ओपन करते हैं, हर एक चीज का ऑरा हमसे कनेक्टेड है। अगर मेरा कोई, मान लो ये फोन है, इस फोन का जो ऑरा है वो मेरा ही ऑरा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेरे साथ रहता है। अगर आपकी पत्नी है, कभी भी ऐसे मत सोचा करो कि हाँ बीवी गुस्सा कर रही है, बीवी भी आपके ऑरा की परछाई है। वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप ही से ही रिलीज हुआ है उसे, तब भी उसको गुस्सा आ रहा है। अगर आपसे शांत करने वाली एनर्जी रिलीज होगी तो बीवी सबकी शांति रहेगी, ठीक है? एंड सेम इज विद द हस्बैंड्स आल्सो, मेल आल्सो। क्या है कि हम सब लोग जो हैं घर में, जो हैं हम सब लोग, एक औरत लेके चलते हैं, हम सब लोगों की एक खुद की भी एक एसेंस है, एक खुशबू है, हमारी बॉडी की भी एक खुशबू है, एक ऑरा है। लेकिन हम लोग इतना ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं कि इतना डुप्लीकेट सी आ गई है हम सब लोगों में, कि वो जो प्योरिटी है, जो एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसमें से जो खुशबू आती है, वो एक कच्चे फूल की जो खुशबू है वो हम सब लोग खो चुके हैं। क्योंकि हमें इतने सारे ऑरा से हमारी एनर्जी एक्सचेंज हुई है, तो हमारा खुद का जो सेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, ठीक है? तो ये सब चीजें जो है ना, ये हमें हमारे केंद्र से भी जोड़ती है। इस वर्कशॉप में हम मनी ऑयल बनाना सीखेंगे, अनक्रॉसिंग। जैसे हम जाते हैं ना बाहर, अंदर जाते हैं तो हमें बोला जाता है लहसुन ले जाओ, प्याज ले जाओ। व्हाट इज द रीजन? प्रेगनेंसीज। वो हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? वो एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है उसका, और एक असेंस का रीजन भी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं इसमें हम बताएंगे। नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए हम जो ऑयल्स बनाते हैं, उनमें से सबसे पहला ऑयल जो है हमारा बार्निशिंग ऑयल है, फिर हमारा अनक्रॉसिंग। अगर हमने किसी चीज को क्रॉस कर लिया, नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी के नीचे से नींबू मिर्ची क्रॉस कर जाते हैं हम, ऐसा होता है मोस्टली सब लोगों के साथ, शायद हुआ ही होगा, अनकॉन्शियसली आप क्रॉस कर जाते हो।
तो जो उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी आपका ऑरा है, आपका ऑरा जो है उसने नींबू मिर्ची क्रॉस किया, तो कहीं ना कहीं दैट ऑरा केम बैक टू यू ओनली। ठीक है, तो उन सब चीजों को किस तरह, उन सब चीजों से बचा जाए, तो उसमें हम अनक्रॉसिंग, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक रिमूवल ऑयल, पाउडर्स बनाने सीखेंगे इसमें हम, और ये सब सारी चीजें जो है हमें घर में ही मिल जाएंगी, ज्यादातर पंसारी की दुकान से भी मिल जाती है, कहीं भी आप जाओगी, ये बेसिक बेसिक जो मसाले हम घर में भी यूज करते हैं ना, उन सबको इकट्ठा करके, उनके कॉम्बिनेशन को बना के, उसके ऊपर किस तरह से चैंटिंग की जाएगी, जब हम उनको ऑयल्स को बनाएंगे, ऑयल्स को बनाने की भी एक साधना है, उन ऑयल्स को बनाया जाएगा पूरी शिद्दत से, उनके कॉम्बिनेशंस को बनाया जाएगा, उसके बाद उस पे एक पर्टिकुलर लेवल की एक चैंटिंग होगी, कौन से ऑयल के साथ किस तरह के कॉम्बिनेशंस की चैंटिंग करनी है, वो भी इस वर्कशॉप में बनाया जाएगा, वो ऑयल्स आप बनाओ। ठीक है, काफी लोगों के पास आई थिंक मेरे हाथ के बने हुए ऑयल्स हैं, हम उन ऑयल्स को, वो ऑयल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, सबसे पहले तो जब हम कैंडल मैजिक करते हैं उसमें वो ऑयल्स यूज करते हैं, क्योंकि तो जब हम कैंडल्स को बर्न करते हैं उसमें वो एनर्जी डालते हैं पर्टिकुलर बंदे की, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेपरेशन स्पेल किया कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है फैमिली, मतलब एक फैमिली में कपल में और थर्ड पार्टी है, तो उसके उस थर्ड पार्टी के फिगरिन के ऊपर हम क्या करेंगे, उस कैंडल के ऊपर हम लगाएंगे सेपरेशन ऑयल, और जो कपल कैंडल है हस्बैंड वाइफ की जो कैंडल है उस पर लगाएंगे हम लव ऑयल। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस किस तरह से आपको बनाने हैं ये भी इस वर्कशॉप में बताया जाएगा, अगर कि जिन्होंने भी मेरे साथ कैंडल मैजिक का जो कोर्स किया है उनके लिए दिस इज वेरी गुड वर्कशॉप। सोने पे सुहागा वाली बात है, अगर आप अपने टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो उस पे अपने प्रोटेक्शन ऑयल्स लगा के चलते हो, खुद अपने ऊपर एक नेगेटिविटी रिमूवल या प्रोटेक्शन ऑयल यूज करते हो, तो आपको किसी का भी नेगेटिव ऑरा जो है टच नहीं करेगा। तो ये सब चीजें अब मुझसे बहुत से लोगों ने लिए हैं, ये डॉक्टर नागेश के पास मैंने चैंटिंग करके, जो मेरे पिछले 15-16 साल से जो मैं ऑयल्स बना के रखे हुए हैं उनमें से कंबाइन करके मैंने डॉक्टर नागेश को दे दिए हैं, और बहुत लोगों ने लिए भी हैं उनसे, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट बताया, और सही सच में बात है। उसका। देखिए देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ज्योग्राफी में बोलते हैं कि सर जब हम टैरो करते हैं तो कुछ नेगेटिव एनर्जी हमें इम्पैक्ट करती है। ठीक है, बिल्कुल करेंगी, क्योंकि जब आप उस एरिया में काम करेंगे तो आप समझिए एक डॉक्टर हैं, एक फिजिशियन है, एक सर्जन की तरह काम कर रहे हैं। अब मानिए कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा जो उस एरिया में गया है जहां पर आप उस डिजीज को आपको लग सकती है, कौन थे वो? जो हमारे हेल्थ वर्कर थे या डॉक्टर थे, है ना? तो इसीलिए जब आप हीलिंग साइड में काम करते हैं तो ये कुछ चीजें आपके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। या तो आपकी मेडिटेशन लेवल इतना स्ट्रांग है, आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग है कि आपका ऑरा स्ट्रांग है। अगर वो नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स या ये कैंडल या ये मैजिकल ऑयल, हीलिंग ऑयल आपको यूज करनी चाहिए, ताकि सबसे पहले क्या है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और इसीलिए योग लक्ष्मी मैम ने और मैंने आप सभी को रेकी का फर्स्ट लेवल फ्री इसलिए कराया है, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं सब मोस्टली उन्हीं को इनवाइट किया गया था कि सबसे पहले हम दूसरों को तो बाद में हील करेंगे, आप अपने आप को हील कैसे करें और अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। हमने क्योंकि रेकी फर्स्ट लेवल में आपको यही सिखाया गया है कि आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन करें, कैसे स्ट्रांग करें, अपने चक्रास को कैसे चार्ज करें, अपनी बॉडी के जो 24 पॉइंट्स हैं शायद उन 24 पॉइंट को कैसे चार्ज रखें। जिसने रेकी फर्स्ट लेवल अभी भी नहीं किया है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको फ्री में वीडियोस भेज देंगे योगलक्ष्मी मैम का, जो हमने फ्री में कोर्स कराया था वो जरूर कीजिए। उसका कराने का मोटिव सिर्फ एक ही था कि हर एक कंसल्टेंट जो भी हमसे जुड़ा है या हमसे नहीं भी जुड़ा वो रेकी फर्स्ट लेवल सीखे और सबसे पहले अपने आप को इस लायक बनाए कि आप दूसरों को हील कर सके, आप दूसरों की कंसल्टेंसी कर सके। सिर्फ पर्पज यही था रेकी फर्स्ट लेवल कराने। ठीक है, तो आप कीजिए उसको सबसे पहले, तभी तो हम हील कर पाएंगे। अगर हम ही बीमार अवस्था में बैठे हैं, हमारा ऑरा बहुत वीक है, हमारे चक्रास चार्ज नहीं है, तो दूसरे सामने लोग कैसे अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर को, कैसे हम उसको हील करेंगे? फिर आप कहते हो सर कस्टमर नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये सर। भी तो बोलते हैं ना बच्चे, सर कस्टमर नहीं आ रहा। मैंने कहा शक्ल देखो अपनी, अपना ऑरा देखो।
मतलब आपका ऑरा इतना वीक है, दूसरे को ऑरा को कैच ही नहीं कर रहा, तो कहां से कस्टमर आएगा? समझ रहे हो बात को? बहुत सारे फैक्टर हैं, आप ही नेगेटिव बैठे हो, आपके चक्रास चार्ज नहीं है, आप डीमोटिवेटेड हैं, ठीक है, तो नहीं आएगा कस्टमर, अट्रैक्ट नहीं होगा। और जब किसी को कंसल्टेशन देते हैं ना, देते हैं आप, तो तभी दे पाएंगे, चाहे कंसल्टेशन दे तब या हीलिंग दे आप, एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और साइंस भी इस बात को कहती है कि एनर्जी हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करती है ना? आपके क्यों मैसेज आते हैं कि योगेश मैम से बात करके इतना अच्छा लगता है, उनकी एनर्जी इतनी हाई है ना, सुनने को मन करता है, क्यों भाई? क्योंकि ये हाई एनर्जी है, तो हमेशा एनर्जी हाई टू लो फ्लो करती है, तो अपनी एनर्जी को हाई बनाओ, तभी कस्टमर अट्रैक्ट होगा, तभी क्लाइंटेज आएंगे आपके पास, तभी आपकी बातें दूसरों को अट्रैक्ट करेंगी, दूसरों पे लगेंगी वो। ओके, ये मतलब है सारा। अच्छा तो एक अगर आप नहीं चीज, कर रहे तो मैम के ऑयल यूज कीजिए, मैम ने बहुत सारी कैंडल्स के बारे में बता रखा, उसको यूज कीजिए, क्रिस्टल्स को यूज कीजिए, स्विच वर्ड्स को यूज कीजिए, रेकी फर्स्ट लेवल हमने कराया फ्री, उसको यूज कीजिए। सबसे पहले आप काबिल बनिए, है ना, एक आमिर खान का डायलॉग है कि काबिल बनो, ठीक है, तो कामयाब भी अपने आप ही आपके पीछे आ जाएगा, तो काबिल तो बनो पहले। यस मैम, सर काबिल तो यहाँ सब हैं जो हमारे सेशन में बैठे हैं अभी, सब लोग बहुत अच्छी एनर्जी है तभी हमसे कनेक्टेड है ये इस समय, बिल्कुल नहीं ठीक, तो ये सेशन में ना जो जो भी इंसान यहाँ पे एक हायर वाइब्रेशन का है उसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है अपने काम को चलाने के लिए, ये मुझे पता है इस बात का। मेरे अब ठीक है डॉक्टर नागेश एक कंपनी रन कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने किसी सेशन का कोई भी प्रचार नहीं अपने लेवल से कभी नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि एक हायर लेवल पे जब एनर्जीज काम कर रही हैं तो उसमें रास्ते अपने आप निकलते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत लोगों से कनेक्ट होता है। जितने भी लोग आपकी एनर्जी के साथ मैच खाते हैं ना, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। आप कभी भी देखना, अगर आपका एनर्जी अच्छा होगा ना, आपको क्लाइंट भी अच्छा मिलेगा। रोने वाला क्लाइंट ही नहीं मिलेगा कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेप्टेबिलिटी भी है प्रॉब्लम्स के लिए। सॉल्यूशन तभी निकलता है व्हेन यू हैव दी एक्सेप्टेबिलिटी। पर ठीक है, ऐसे क्लाइंट को समझाना इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर यू। अगर आप ये सोचोगे आपका ऑरा डिस्टर्ब्ड है, रोने रोने वाले लोग आ रहे हैं आ रहे हैं, सब आ रहे हैं अपना कूड़ा कबाड़ आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, है ना, आते हैं लोग। मैं कह रही हूँ कि एक प्रॉब्लम पूछती हूँ, 50 प्रॉब्लम लोग बताते हैं मुझे, ये है मैम ये है, लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि वो अपने आप को बहुत तरह से प्रोटेक्ट करके चलते हैं, बहुत तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और वो सबसे पहला प्रोटेक्शन जो है, सबसे पहला प्रोटेक्शन आपका डेली का ध्यान है। ठीक है, ऑयल का कोर्स करा रही हूँ, कैंडल का करा रही हूँ, वो सब चीजें, सॉल्ट वाटर बाथ लो, बहुत सारा। एक पूरे दिन का एक वर्कशॉप मैंने इसी चीज का करवाया था, अगर कोई है वैसा जिन्होंने मेरे वर्कशॉप अटेंड किया था, कि एक हीलर अपने आप को कैसे बचा के रखे, क्या क्या नियम होने चाहिए चीजों के, किस तरह के से लोग आप अपने पूरे अपने जो आपके पास विजिट कर रहे हैं उनका सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, उनके साथ आपकी मैचिंग कैसे बैठे, आप उनके लेवल पे आके अपने आप को फिर दोबारा से उठा के अपने उस हायर वाइब्रेशन पे किस तरह से लेके जाओ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं समझ सकती हूँ सबकी प्रॉब्लम, सबके लेवल पे आके मुझे समझना पड़ता है, फिर मैं मुझे ये भी आता है कि अपने आप को उठा के अपने लेवल पे कैसे लेके जाना है, यहीं चूक जाता है। अगर कोई भी रीडर है, हीलर है, या कोई भी एक अकल्ट साइंस का व्यक्ति है, वो यहीं चूक जाता है अगर वो ध्यान नहीं करता, अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं चलता, अगर वो सेल्फ एनालिसिस नहीं करता है, अगर वो ईमानदारी से काम नहीं करता। सब कुछ पैसा नहीं होता है। अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है, जैसे अभी मेरे पास अराउंड 10 दिन पहले एक ऐसा केस आया था, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी थी, एंड मतलब शी डिलीवर्ड, सिजेरियन हुआ एंड चाइल्ड वॉज नो मोर। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? शी इज क्रॉस्ड समथिंग, इसीलिए बार बार ऐसा।
हमें कैसे पता चला ऐसा? क्योंकि जब मैं स्पेल कर रही थी, कैंडल्स वर ब्लोइंग, कैंडल्स जल ही नहीं रही थी, कैंडल बंद हो रही थी बाद में। जब मैंने उनको कॉल किया, बच्चा डिलीवर हो गया था, बेबी बॉय हुआ था, जब मैंने उनको कॉल किया तो मैंने उनसे पूछा कि आप बच्चे को देख के आए? तो बच्चे के फादर ने बोला मैं 9 बजे गया था। मैंने कहा आप दोबारा देख के आओ। 11:30 बजे मैंने उनको कॉल किया, 12:45 बजे बच्चा खत्म हो गया, ही वॉज नो मोर। मैंने कैंडल्स लगाया, ऑयल्स लगाए, उस पर स्पेल करने की कोशिश करी, लेकिन एनर्जीज ने स्पेल करने ही नहीं दिया। 2 बार कैंडल मेरी बंद हो गई। वही एनर्जीज ने बता दिया कि, जब मैंने बतावा बोला उनको, कह रहे वो ठीक था बच्चा जब मैं गया था। 12:15 बजे मुझे मैसेज आ गया, द चाइल्ड इज नो मोर। तो आपकी साइकिक एनर्जीज भी तभी इम्प्रूव होंगी जब आप बेसिक बेसिक चीजें अपनी ठीक रखोगे। सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो, ठीक है? कैंडल मैजिक करवाया था मैंने, एंड ये ऑयल्स जो हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास कोई आ रहा है, आप उन ऑयल्स के 10-10 ml के रोल ऑन्स बनवाओ और उस पर अपना नाम लिख के, हील्ड बाय या चार्ज बाय, अपना नाम लिख के उनको वो दो, उनको बोलो कि इस तरह से इसको यूज करें। मनी ऑयल जो है बहुत अच्छा काम करता है। न्यू मून डे के दिन अपने वॉलेट को क्लीन करो मनी ऑयल से और देखना जो मैनिफेस्ट करोगे वही मिल जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्रोटेक्शन ऑयल, कहीं भी जा रहे हो, बच्चा कहीं बाहर घूम रहा है या आप कहीं जा रहे हो या आपके पास कोई आ रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके आपको चलना है, किसी की बुरी नजर से अपने आप को बचाना है, तो यूज दैट प्रोटेक्शन ऑयल। अनक्रॉसिंग, न्यूली मैरिड, बच्चा जिसके बाल नहीं कटे अभी, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल, इफ शी इज गोइंग समवे, यू कीप दैट ऑयल इन योर वॉलेट। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ब्लैक मैजिक रिमूवल, घर के पूरे कर्टन्स पे लगा दो। अगर आपको फील होता है कि देर आर सम नेगेटिव एनर्जीज, विद इन 7 days दी एनर्जीज विल रिमूव, घुसेंगी नहीं, अब अपने आप ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा। उसकी प्रेगनेंसी ऐसी होगी, उसको डेली लगाओ रोल ऑन, उसको कर्टन पे लगा दो, सोफे पे हल्का हल्का लगा दो, बेड पे लगा दो, एंड विद इन 7 days यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह के ऑयल्स हैं, सब कुछ है। तो इस वर्कशॉप में ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन्होंने भी मेरे साथ रेकी किया है, अगर वो 24 positions पे आप हीलिंग ऑयल लगाते हो, अगर आपको बैक पेन है, आप चैंटिंग करते हुए, आप सिंबल लगाते हुए, या फिर आप चार्ज करते हुए 7 chakras को, अगर आप 7 chakras के ऊपर भी अपने थोड़ा थोड़ा हीलिंग ऑयल लगाते हो, चक्रास बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं, बहुत जल्दी। अगर अपनी बॉडी पे नहीं लगाना तो आप उनको कैंडल्स पे भी लगा सकते हो। जैसे मैं ज्यादातर, मतलब मेरे मेरा जो बेटा है उसके रूम में ज्यादातर जो है एक प्रोटेक्शन ऑयल लगा के रखती हूँ। प्रोटेक्शन ऑयल किस चीज के लिए लगाती हूँ? कोई भी नेगेटिव थॉट भी ना आए, फोकस्ड रहे, ठीक है, ताकि कोई भी एक नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी एक नेगेटिव थॉट भी जो है वो एक छोटे से बच्चे को डिप्रेशन में ले जाए। मैं बच्चों को देखती हूँ, 15-15 साल के बच्चे डिप्रेशन में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, अभी 4 दिन पहले 20 साल की लड़की कंपैरिजन के कारण शी इज इनटू डिप्रेशन, शी इज टेकिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स। क्यों? 2 बार बात किया एंड यस्टरडे शी शेड मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कारण क्या है? ऑरा क्लीन कर दिया, कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट किया, और कनेक्ट होते ही जितनी देर वो मुझसे बात करती रही, बात करती रही, बात करती रही, मैं धीरे धीरे उस पर सिंबल लगाती गई, लगाती गई, लगाती गई, उसको पता ही नहीं चला। एंड शी इज न्यू गर्ल नाउ, टोटली डिफरेंट। ऐसा ही आप सब लोगों को बनना है। तो उसमें ये ऑयल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं कोई भी कोर्स को ऐसे नहीं लेके आती हूँ, मुझे जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है। मार्केट में बहुत तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, मुझे सर भी बोलते हैं ये वाला कोर्स करवाओ मैम, ये करवाओ, ये करवाओ, बट मुझे ऐसे लगता है कि कुछ कोर्सेज जो हैं वो हर एक हीलर को आने चाहिए।
हर एक अकल्ट साइंस के इंसान को आने चाहिए, एटलीस्ट अपने लिए तो कर ले, किसी और के लिए करे ना करे। आपके पास कोई रीडिंग लेने आता है, टेरो कार्ड रीडिंग लेने आता है, आप अपने टेरो कार्ड्स के ऊपर हल्का हल्का अपने हाथों पे नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल लगा के टेरो कार्ड्स पे लगा, ठीक है, एंड उसके बाद रीडिंग लो, यू विल फील द डिफरेंस। स्टार ऑफ डेविड की कैंडल आती है, उस पे प्रोटेक्शन ऑयल लगा के उसको बर्न कर दो अपने ऑफिस में। किसी भी तरह की कोई नजर, किसी भी तरह कोई कोई नेगेटिविटी, किसी की कोई हाय नहीं लगी। और ये कोर्स वाकई में उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिन्होंने रेकी किया हुआ है, कहीं से और भी किया, कैंडल, नो डाउट, कैंडल या कैंडल स्विच भी, एंजल, वर्ड्स। अब देखिए कितना अच्छा एंजल कॉम्बिनेशन है, थेरेपी होती है। एंजल ब्लेसिंग, कैंडल्स, स्विच वर्ड्स, कैंडल मैजिक और ये अपना मैजिकल ऑयल्स। अगर आपने इसमें से कुछ भी किया हुआ है ना, तो आपके लिए ये ऑयल हर जगह यूज आते हैं। और ये मैम शायद आपने अगर कैंडल का कोर्स भी किया होगा मैम से, तो वहां भी उन्होंने बताया होगा कि कौन से ऑयल के साथ कैंडल को यूज करेंगे तो उसकी पावर में कितनी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ऑयल करते क्या है बेसिकली, आप स्विच आउट कर रहे हैं, आप रेकी कर रहे हैं, आप एंजल हीलिंग कर रहे हैं, आप कैंडल का कोर्स किया है, ये जब ऑयल के साथ आप यूज करते हैं ना, तो ये उस वो एनर्जी ना इंटेंसिफाइड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और एक हीलर को यही तो चाहिए कि अपनी एनर्जी को कैसे वो मल्टीप्लाई कर सकता है, वरना तो उतनी एनर्जी को लगाने के लिए सोचिए आपकी कितनी एनर्जी जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑयल्स को यूज कर लिया, कैंडल्स को यूज कर लिया, स्विच बोर्ड्स को यूज कर लिया, तो आप एक एनर्जी को कितनी मोडालिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब फिर देखिए मैजिक, तभी तो मैजिक है, तभी इसका नाम मैजिकल ऑयल है। मैं मैम से पूछ रहा था कि मैम इसे मैजिक क्या होता है, मतलब हम लिखते क्यों मैजिक, तो मैजिक फिर मैम ने समझाया कि देखिए ये ऑयल ऐसी चीज है कि आप जिसके साथ भी यूज करेंगे ना, कि कहीं भी हो, आप अपने चक्रा पे यूज कीजिए, हीलिंग में यूज कीजिए, सिंबल के साथ यूज कीजिए, ठीक है, कैंडल के साथ यूज कीजिए, स्विच वर्ड के साथ यूज कीजिए, कहीं भी यूज कीजिए, टैरो करते हैं उसके साथ यूज कीजिए, कुंडली के साथ यूज कीजिए, नंबर्स के साथ यूज कीजिए, कहीं भी यूज कर सकते हैं, तब ये मैजिक है। और वाकई में ये ऑयल आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैम ने बताया, कि मल्टीप्लाई कर देते हैं चीजों, ठीक है, तो इसलिए कोर्स जरूरी है, इसलिए हम लेकर आए। अभी अभी क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, एक लेडी ने मुझे पूछा था कि मैम मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने उसे यही बोला था कि आप जो हेयर ऑयल लगाते हो ना, उसमें एक दो ड्रॉप्स मेरी हीलिंग ऑयल के डाल लो। एंड कल ही उनका मैसेज आया कि माँ मेरे तो बाल झड़ने बंद हो गए। मैं तो हंस रही थी, मैं कि मुझे ब्यूटी ब्रांड खोल लेना चाहिए। एक फेथ की बात भी होती है, दूसरा ये भी होता है कि हम चीजों को चांट भी करते हैं। तो इस कोर्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से ऑयल के ऊपर कौन से मंत्रास को आपको चांट करना है, से करना है आपको। आपको जैसे अट्रैक्शन ऑयल है, ठीक है, अट्रैक्शन ऑयल में हम शुक्राचार्य के मंत्रास को चांट करते हैं, ठीक है, उसमें दुर्गा के मंत्रास को चांट करते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे बंगलामुखी के मंत्रास को हम ब्लैक मैजिक रिमूवल में हम चांट करते हैं, बानिशिंग में चांट करते हैं। विश मैनिफेस्टेशन पाउडर जब मैं बनाती हूँ तो उसमें हम गणपति भगवान के मंत्रास को चांट करते हैं, गुरु के मंत्रास को चांट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस भी जो हैं, सबके कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे कॉम्बिनेशंस जो हैं, मैं आपको अपने पर्सनल कॉम्बिनेशंस बताऊंगी कि जो योग लक्ष्मी बनाती है ऑयल्स और जो आप बनाते हैं उसमें कोई डिफरेंस ना रहे। मैं सिर्फ मुझे एक चीज का डिफरेंस थोड़ा बहुत रह सकता है, एनर्जी का। एनर्जी आपको अपनी खुद क्रिएट करनी है। मुझे आज भी याद है वो, ये क्योंकि योगलक्ष्मी मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके हस्बैंड मेरे दोस्त हैं, तो मैं जब इनके घर जाया करता था ना, ये शुरू से, मतलब जब भी मैं गया, वॉलेट निकालो दिखाओ, जैसे दोस्त यारी में होता है, वॉलेट निकालो सर, मैंने कहा पता नहीं क्या करने वाले, फर्स्ट टाइम जरूर ने पूछा, तो निकाल के ना वो ऑयल लगाया, मतलब मुझे लगता है मनी ऑयल तो आपके शायद हर वक्त इनके पास रहता है। तो ये 2016-17 की बात है। हाँ शायद, फिर हम कहीं जा रहे थे ऐसे ही, फैमिली ट्रिप था हमारा, तो प्लेन में एक बार इन्होंने निकलवा लिया, भाई यार हम जा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या याद आया उनको, जहाज उड़ रहा है, आप बैठे हैं आराम से, फैमिली साथ थी, तो इन्होंने बोला कि सर वॉलेट निकालो, मैं कहा यार चलते प्लेन में वॉलेट का क्या काम है, इनको ऐसे याद आ गया था, पर्स निकाला मनी ऑयल।
मतलब हम कोई डील पे भी जा रहे थे, मतलब मुझे पर्सनल कोई डील भी जाना था वहां पर, ये तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर थी वहां पर, शायद शिरडी जा रहे थे शायद आप, है ना, आप शिरडी हाँ जा सर, रहे थे। हाँ, मैं मेरी बॉम्बे कोई डील थी, तो उनको मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था कि यार ऐसे बॉम्बे में डील है, मेरा वास्तु का बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिला है मुझे, एक मॉल का एक वास्तु करने को मिला है, तो बोला वॉलेट निकालो फटाफट इनके वहां रोड पे अपना इनके। हाँ, बनाया था मैंने, रोड अपना था। पता नहीं क्या लगाया था, मतलब इन्होंने फटाफट दो तीन ना, इनके ऑयल हमेशा रहते हैं इनकी पॉकेट में, कोई लोग मतलब मैंने देखा है फीमेल लोग अपना वो रखती है ना कॉस्मेटिक रखती है, इनके कॉस्मेटिक नहीं मिलेगा इनके, इनके निकल के आता है ऑयल्स रोल ऑन, तो नहीं मैजिक है, वाकई में मैजिक है, कहाँ चीजें काम करती है। और ये तो पर्सनली हमने किया, और अब तो खैर हम कई सौ स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, पिछले लास्ट भी हमने कैंडल मैजिक का किया था या ऑयल्स का किया था, तो कई सौ स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, उन्होंने यूज किया, खुद रिजल्ट देखे हैं, तो वाकई में मैजिकल है। तो आप सीखिए, या तो देखिए आप कोर्स कीजिए, नहीं तो मैम के बने बनाए ऑयल्स आते हैं वो लीजिए। और हम तो कहते हैं कि हमें ना कमर्शियल नहीं बनना, हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। तो एक्स्ट्रो गैलेक्सी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको, लोग सब सामान बेचते हैं, अपनी सर्विसेज बेचते हैं, हम ना तो सर्विस बेचने के राजी ना प्रोडक्ट बेचकर राजी, हम नॉलेज देकर राजी हैं। इकलौता प्लेटफॉर्म है पूरे हिंदुस्तान में, ये बता दूं मैं आपको, जो नॉलेज देने में विश्वास रखता है, वरना हर इंसान क्या है कि प्रोडक्ट बेच रहा है, हर इंसान क्या है अपनी सर्विसेज बेच रहा है, पूरा नहीं सिखाते हम, है कि आपको पूरा सिखा के राजी है, तो भाई बिल्कुल फायदा उठा लो इसका। और मुझे पता है मैं इनको क्या क्या कह के, कौन कौन सी धर्म कर्म पता नहीं क्या क्या साम दाम दंड भेद क्या क्या लगा के, कितनी मिन्नतें करके मैं इनको प्लेटफॉर्म पे लेकर आया, वरना तो मेरी फैमिली फ्रेंड से मैं इनको 2014-15 से मैं ही ला सकता था, लेकिन फिर इनको लगा नहीं यार, मैंने कहा इतनी नॉलेज रखते हो, भगवान ने नॉलेज बांटने के लिए दिए या रखने के लिए दिए, ठीक है बांटो इसको, फिर इनको समझ में आया तो ये तब इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए राजी हुई, क्योंकि इनका कमर्शियल एंगल है ही नहीं। और ऑकल्ट साइंस में हमेशा याद रख लेना, वो आपको एक अच्छी नॉलेज दे पाएगा, एक अच्छी इंटेंशन से कुछ दे पाएगा जिसका कमर्शियल एंगल नहीं, और ये आपको हमारे प्लेटफॉर्म से दिखता भी होगा, ये सब आप लोग कहते हैं, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म भी है नो डाउट, हमसे बहुत अच्छी नॉलेज रखते होंगे, बड़े बड़े ब्रांड होंगे, ये पक्का है, जो भाव हमारे हैं ना वो किसी के हो ही नहीं सकते, ये पक्का है, हमारे जितने मेंटोर्स हैं, जितने हमारी फैकल्टीज है, जितना अपना परिवार है हमारा, सबकी इंटेंशन ये है कि नॉलेज दो नॉलेज दो नॉलेज, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ पता नहीं मैम कब बोरिया बिस्तरा उठा के हिमालय हिमालय पे निकल जाएं, जहां नेट भी नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं सर आज नॉलेज सच के में लिए। आपको बोलने वाली थी कि सर बस अब हाँ बहुत हो गया, मैं शाम को हाँ पूरे बैठी थी कि सर अब बस बहुत हो जैसे गया। मैंने इनको बोला बुध पूर्णिमा हमारा प्रोग्राम था, मैंने कहा चलो एक अच्छा दिन है, हम बच्चों को ब्लेसिंग मिल जाएगी गुरु की, अब मुझे क्या पता ये खुद गुरु के पास जा रहे हैं, बोला मैं नहीं करने वाले, मैं तो गुरु के पास जा रहे हैं, और 5-6 दिन लगा के आई मारा उनसे, तो ऐसे ही इनको ये तो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है इनकी, ये तो बस हमने इनके हस्बैंड ने और हमने रोक रखा है इनको, कैसे ना कैसे बांध रखा है इस कमर्शियल थोड़ी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे गुरु मिलते हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो इनसे एनर्जी ले लो जितनी ले सकते हैं, जो भाव इनके है ना वो बाकी में मार्केट में नहीं मिलने वाले, क्योंकि भाव कभी भी पैसे से क्रिएट नहीं कर सकते आप, ओके। अच्छा तो जितनी नॉलेज ले सकते हैं ले लीजिए, जितनी ब्लेसिंग लेनी है ले लीजिए, तो यहाँ यही पे काम। सिर्फ एक ही स्टूडेंट है सर, वो जो मुझसे लाइव मिला है, हेमल ना, कैसी हो हेमल? द ओनली सिंगल स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रो गैलेक्सी जो मुझसे लाइव मिला है ना। लाइव मिला है, ठीक बात। हेमल आप बताओ, आपको मुझसे मिलके कैसे लगा था? बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है हाँ हिमल, आ रही है। बिल्कुल आ रहा है ना। बहुत अच्छा लगा था मैम, बहुत ही। मैं तो वेट कर रही हूँ वापस से, कभी आएंगे। मैं आप कब से सोच रही थी कि आप बोलो कि मैं आई थी और मेरे को वापस आना है, सोच रही थी। देखो आपने बोल दिया। और मैंने आपका स्विच वर्ड का भी किया था, बट मैंने लाइव नहीं किया था, रिकॉर्डिंग देख देख के किया था। तो मैंने नागेश सर के लिए भी किया था, पूछो उनको मैंने बताया। अभी मैंने बोला नागेश सर फोन नहीं उठा रहे, तो मैंने क्या पैर हुआ, छूए मैं थे। बिजी था, इनके फोन पे फोन आ रहे थे मैसेज, मैं पिछले मतलब हफ्ता दिन बिजी था, अब इनको कोई जरूरत होगी मैं फोन नहीं उठा पा रहा था, अब इन्होंने ना लास्ट में एक स्पेल किया, पता नहीं मुझे नहीं पता क्या किया इन्होंने, इन्होंने बाद में बताया जब मैंने फोन उठाया, जबकि उस दिन में मैं आउटिंग पे था कहीं, फिर मैंने उस टाइम थोड़ा ब्रेक था थोड़ा सा, मैंने इनको फोन उठाया, मैंने कहा यार फोन आ रहे हैं बात कर लो, तो बोला सर आज मैंने ना स्विच ऑन किया था, मैंने कहा मर गए। ये एनर्जी मतलब हमें हम सिखा रहे हैं तो हमारे ऊपर ही अप्लाई की जा रही है आजकल, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं। बहुत सारे केस आ चुके हैं मेरे पास, बिल्कुल है ना,
कि सर से आज बात करनी है, किसने कैंडल जला रखी है, किसने स्पेल कर रखी है, किसने ऑयल लगा रखा है मेरे नाम का, हे भगवान। हमारे नाम की खोपड़ियां लगा के ये हमें मैसेज चलो भेज बढ़िया, कोई बात नहीं, काम होना चाहिए और कोई बात नहीं। टेलीपैथी से। चलो अच्छी बात है हेमल, जल्दी मिलूंगी मैं, मुझे त्र्यंबकेश में आना पक्का पक्का, हम मैंने सर से बात किया है कि आप लोग आओ, मेरे को लेके जाना है आपको त्र्यंबक, है वहां। शिरडी भी लेके जाना है, तो आप जल्दी से आओ, बस हम काम करो। भगवान पक्का शिव जल्दी बुला ले, हम तो सोच रहे हैं जल्दी जल्दी आए बस। ठीक है, मेरे हस्बैंड भी हाँ बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं राज तुम्हें। पक्का पक्का आ जाओ आप लोग, बहुत आंटी भी बहुत याद हस्बैंड, करती है इनको, इनकी हाँ मम्मी सासू माँ भी, भी बहुत याद करती है जो आप हाँ सुनिए। हम भी बहुत याद करते हैं आंटी को। हाँ बिल्कुल, सबको हाय चलो कहना हमारी ओर से। मैंने बीच में एक बढ़िया। कोई वीडियो देखा था, बहुत प्यारा सा था, उसमें वो मैंने सेव करके रखा है, आपको सेंड करूंगी, वो मुझे लगा वो आपका बेटा है। अधिराज आया था एक वीडियो में, एक में सबसे मिलके गया था, एक वीडियो में आया था वो। ओके चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे ऑयल्स की, सच में हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे ऊपर ऑयल्स और कैंडल्स यूज कर रहे हैं। सच में मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि माँ आज आपके लिए मैंने ये भी किया वो किया, आपसे बात करनी है, तो ऐसा हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छी चीजों के लिए ही करना है हमें, ठीक है। तो हमें इन इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाना है। सब लोगों को मैं ये बोलूंगी, इसको प्रोफेशनल एंगल से इस कोर्स को मत लेना, ठीक है। अगर हम मैजिक ऑयल्स का कोर्स करेंगे तो इसे सबसे पहले पर्सनल यूज के लिए ही ट्राई करना, खुद बनाओ अपने ऑयल्स को। कब तक मुझसे लेते रहोगे, पता नहीं योग लक्ष्मी है आजकल नहीं है, है ना, तो उसका भी वो खत्म तो कभी ना कभी होगा ही ना। तो आई वॉन्ट कि आप सब लोगों को मैं सिखा दूँ किस तरह से ये चीजें बनी, मुझे भी मेरी गुरु ने बताई है। देखो जो मार्केट में चल रहा है ना, मैं देखती हूँ बहुत तरह की वर्कशॉप्स लोग करा रहे हैं, उन वर्कशॉप्स में और हमारी वर्कशॉप्स में यही फर्क है कि हम हर तरह की वर्कशॉप को क्या करते हैं, जैसे ऑयल बना रहे हैं वो लोग आपको चीजें मसाले बता देंगे, लौंग डाल दो, इलायची डाल दो, दालचीनी डाल दो, रोजमेरी हर्ब डाल दो, कुछ इम्पोर्टेड हर्ब्स हैं वो डाल के आप ऑयल्स बना लो। ऑयल बन गया, उसको रखो 40 दिन और उसके बाद वो तैयार हो गया। नो, उसमें एनर्जी डालना ऑयल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एनर्जी किस ऑयल में किस तरह की डलेगी, कहाँ से आएगी, कौन सी चैंटिंग से आएगी, किस तरह के एंजल्स को प्रे करके आएगी, वो इस वर्कशॉप में बताया जाएगा। अगर आप अपने जिस अगर जितने भी पीड़ित लोग आपके पास आते हैं, स्पेशली जितने हीलर्स हैं यहाँ पे, तो आप उनको ये ऑयल्स दो। 9 ml के एक रोल ऑन की जो हमने कॉस्ट रखी है, बहुत कम रखी है, 500 रुपये कॉस्ट है उसकी, और आई थिंक सिर्फ ब्लैक मैजिक रिमूवल है जो वो आई थिंक 1000 का है। तो आप उसका कॉस्ट कितना भी रखो, जो भी आप अपना बनाओगे, पर अपने आप को एक ब्रांड की तरह लॉन्च करो, क्या दिक्कत है। व्हेन यू आर डूइंग वर्क, अच्छा काम कर रहे हो, लोग आपकी चीजों को लगाएंगे तो एक आपकी एडवर्टाइजमेंट भी होगी कि लोग आपको याद करते हैं जब बार बार उसे देखते हैं। तो ये चीजें जो हैं अपने लिए सीखो। क्रिस्टल्स जो हैं, मैं नॉर्मली अपने सभी, जैसे मेरे हाथ में ये क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, मैं इन पे ऑयल्स लगा के इसको चार्ज करती हूँ, डबल ट्रिपल इफेक्ट दिखाते हैं, सीरियसली बहुत अच्छा इफेक्ट है। क्रिस्टल्स पे लगाओ, अपने बॉडी ऑर्गन्स पे लगाओ और अपनी कैंडल्स पे लगाओ। इस वर्कशॉप में मैं आपको कुछ ऑयल से रिलेटेड स्पेल्स भी बताऊंगी, अराउंड 15-16 स्पेल्स बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपको करने हैं, स्पेशली मनी अट्रैक्शन, रिलेशनशिप को लेके और स्टॉक मार्केट को लेके भी बताऊंगी इस वाला जो हमारा जो वर्कशॉप होगा, वो भी एक ऑयल है हमारे पास। स्टॉक मार्केट में शेयर्स जब हम लगाएंगे तो उसको कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं। पिछले वाला कोर्स जिन्होंने भी मेरे साथ किया है उससे डिफरेंट होगा। कैंडल वाला भी बहुत लोगों ने मेरे साथ किया था, फिर दोबारा से भी किया, लेकिन सब कुछ डिफरेंट था उसमें। तो मेरा कोई भी कोर्स, कोई भी चीज जो होती है वो मैं रिपीट नहीं करती हूँ। नाम से रिपीटेड जरूर है, बेसिक चीजें बेसिक ही रहेंगी, लेकिन उसको यूज करने का तरीका मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगी सबको, क्योंकि मैंने खुद किसी किताब से नहीं पढ़ा, मैंने चीजों को खुद पे ट्राई किया, इम्प्लीमेंट किया, जब मुझे उनका रिजल्ट आया तभी मैंने आगे बांटा। यही एक अच्छा रास्ता है। तो मैं भी चाहती हूँ आप सब लोग अपने लिए उसे ट्राई करो, अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है
और जो लोग बोलते हैं ना, बच्चों की बड़ी शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बताऊंगी मैं इस कोर्स में। बच्चे बदतमीज है, कहना नहीं मानते, इतनी बाप रे इतनी शिकायतें बच्चों की, मेरे फोन भरा हुआ है। तो अच्छा आप तो उन्हें बता दो, वो ऐसा तो नहीं था, मतलब कोई ऐसा ऑयल तो नहीं है जो प्लेन मील मतलब हवा में ही लगा के काम करता है? नहीं, वो ना मैंने रोड ओपनर लगाया था। वो रोड ओपनर ऑयल क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे 7.5 साल छोटा है, मतलब तो उसकी कुंडली ऐसी है, राहु लगन क्या है वो, मतलब लगन में राहु बैठा है, और मतलब हर चीज अटक अटक के हो रही है उसकी, हर चीज अटक के हो रही है, मतलब इतनी ब्लॉकेजेस इतनी ब्लॉकेजेस। कोई काम करने जाएगा 10 बार घर वापस आएगा, फिर काम बनेगा वो। जब उसकी शादी होनी थी ना, तो बड़ी ऐसा हो रहा था कि यार सर को तो सब पता है, सर तो शादी में आए भी थे, तो इतनी टेंशन घर वालों को कि इसका हर काम ऐसे होता है, कैसे होंगी चीजें। मैंने कहा भाई ये ले पकड़ रोड ओपनर, जिस काम पे भी जाएगा ना, इसको अपने हाथों पे लगा लेना। और लिटरली बता रही हूँ, हम पहले दिन जब हम बैंक्वेट हॉल बुक करने गए, बैंक्वेट हॉल वाले से लड़ाई होगी, वापस आ गए, उसने बुकिंग के पैसे वापस दे दिए। दूसरे दिन हम गए हलवाई के पास, उसने बोला कि भाई मेरे पास बुकिंग है, मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ऐसे तो बात नहीं बनने वाली, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो प्रॉपर रोड ओपनर स्पेल किया गया, और रोड ओपनर ऑयल मैंने कहा ये ले भाई, तेरी शादी का गिफ्ट यही है तेरे लिए। और उसके बाद उसके जो काम बनने शुरू हुए, और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब तो मैं कुछ भी कर लूंगा, नहीं, बहुत बड़ा चेंज मुझे आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है उसके अंदर। और सर आपको भी पता अभी है। नहीं है, मतलब अभी ये फरवरी की बात है ना शायद, हाँ मुझे बिल्कुल लगता सर, है 12th फरवरी की। February। हाँ शादी थी, मैं भी गया था पंजाब की। पंजाब की शादी जरूर अटेंड करना, मस्त वाली शादी होती है पंजाब की। बिंदास जीते हैं ये लोग। आपने मेरा नया रूप देखा बिल्कुल। तो ना। बहुत बड़ा चेंज देखा है, क्योंकि मैं तो उसको बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन उसके बाद जो चेंज आया ना उसमें, वाकई में बहुत बड़ा चेंज आया, ये तो है। तो यही ये चीजें काम करती हैं, आप हमारी अपने आप छोटी पे यूज छोटी करो। चीजें जो है ना, जैसे रोड ओपनर है, रोड ओपनर के ऊपर हम गणपति मंत्र खूब चांट करते हैं, क्योंकि वो विघ्न हरता है जब आप उसको चांट करते हो। जैसे मेरे, मैं दिखाऊंगी तो नहीं, मैंने ऑयल्स बना के रखे पिछले 12 साल से, 13 साल से उनके ऊपर लगातार चैंटिंग हो रही है। जितना कम होता है उसमें और मिलाया जाता है, वो हर्ब्स उसी में वैसे ही पड़ी हैं, और वो उतनी ज्यादा एनर्जाइज होती है जब वो बनता है। तो एक दिन तो मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड आए, तो कह रहे थे भाभी जी ऐसे लग रहे जैसे बियर की बॉटल सजा के रखी हो। तो मैंने कहा नहीं, ये सारे ऑयल्स है हमारे। तो आप अपनी चीजों को ना अपने भाव से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी प्योरिटी से उनको और प्योर बनाओ, पर इतना भाव उसमें डालो ना कि वो दूसरों के लिए ना मैजिकली काम करे, आपको लगे कि उनकी जिंदगी में ये सच में बहुत बड़ा चेंज लेके आए। कभी भी ऐसा मत सोचो कि चेंज आएगा तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं। जब वो आप कुछ अच्छा उनको वाइब्रेशन दोगे ना, तो बाउंस बैक अपने आप करेगा। तो कभी भी आप कुछ भी स्पेल करते हो, जितने भी लोग हैं, जिन बच्चों ने भी मेरे साथ कुछ भी कोर्स किया है, उनके लिए एक ही चीज बोलूंगी, अगर आप सच में है ना मेरे और डॉक्टर नागेश के स्टूडेंट्स हो, अच्छे शिष्य हो, तो अच्छे इंसान जरूर बनो। अच्छा भाव अगर सामने वाले के पास जाएगा तो पैसा अपने आप आएगा, एक फेथ भी आएगा, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकता। लालच आपके चेहरे से झलकता है, और प्रेम भी आपके चेहरे से झलकता है, भाव भी आपके चेहरे से ही झलकता है। तो उस चीज को अपने आप को कभी अपने रिकॉर्डिंग करके देखना, कि जब आप किसी को कंसल्टेंसी देते हो, कि आपके चेहरे से लालच टपक रहा है कि प्यार टपक रहा है। सीरियसली शर्मा जी हंसते हैं। सीरियसली हाँ, मैं देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ ना ये बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, आज शनि ऐसा कर देगा, आज मकर राशि में आ गया, या चेहरे से ही झलक रहा है लालच, झूठ कपट, वो ऑरा ही ऐसा है। तो प्योरिटी कहाँ पे है? जितना आप क्रिस्टल एंड क्लियर होगे ना चीजों को लेके, उतने अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। एक बंदा आपको आपका लालच देख के कंसल्टेंसी आपसे ले रहा, आपको बोल रहा 1 करोड़ रुपया दे गया, उसका काम नहीं बढ़ा, उसने गर्दन पे लगाया और बोला कि लाओ 2 करोड़ रुपए वापस करो,
ऐसा काम करके क्या फायदा। हाँ अभी एक रिसेंट एक केस हुआ, ऐसा ही एक एस्ट्रोलॉजर था, गर्दन पे गन पॉइंट पे 2 करोड़ रुपए निकाल के ले गए उससे। सर मैं कल ही न्यूज सुन रही थी, मैं नाम आपको बाद में बताऊं, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। सोचो ऐसा नहीं करना है हमें, कम लोग जोड़ो बट जिनको आप पे फेथ हो, और वो फेथ भी आपका ऑरा ही बनाएगा, आपकी वाइब्रेशन ही बनाएंगे। तो हम इन कोर्सेज में यही करेंगे, ठीक है। तो जो ये मैजिकल ऑयल्स और पाउडर्स का, जो हमारा पाउडर्स हमने सर उसमें नहीं ऐड करवाया, तो लेकिन हम पाउडर्स भी बनाने सिखाएंगे। क्या होता है कि कैंडल को लेते हैं जब हम हाथ में, उसमें थोड़ा ऑयल लगा के पाउडर का कॉम्बिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अबंडेंस ऑयल बनाया, अबंडेंस ऑयल को मैं अपने हैंड पे लगाऊंगी और कैंडल को लूंगी, ग्रीन कलर की कैंडल को, इसको उसके ऊपर विश मैनिफेस्टेशन पाउडर डाल दूंगी हैंड में। उस कैंडल को इस तरह से रोल ऑन करके फ्राइडे के दिन चैंटिंग करके उसको लगा दूंगी। जो भी आप विश मांगोगे कि मुझे इतना सम अमाउंट चाहिए या मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए एवरी मंथ, तो वो अपने आप मैनिफेस्टेशन जो है आपका, वो अबेंडेंस के साथ अपने आप वाइब्रेशन मैच करेगा, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशंस भी आपको बताए जाएंगे इस बार, एंड कुछ नई चीज भी बताई जाएगी, कुछ एक अलग तरीके की कैंडल के ऊपर और ऑयल्स को बनाते हुए एक ध्यान विधि भी बताई जाएगी। वो मेरी तरफ से आप सब लोगों के, वो कोई भी नहीं बताएगा, तो वो मुझे भी मेरे गुरु से मिली है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसको करना और उसके बाद रिजल्ट देखना, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन हम शुरू करते क्वेश्चन हैं, आंसर ले लेते और हैं, मैं सेशन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन सबका लूंगी, ठीक मतलब है। आप शॉर्ट क्वेश्चन रखिएगा, हम सोच रहे हैं कि आज ना मैक्सिमम क्वेश्चंस लिए जाएं, ठीक है। ठीक आपकी है, कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन मैम बताने वाली है, ठीक बिल्कुल। है। कोई ना बहुत सीरियस लेवल की अगर प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, नॉट दी थर्ड पार्टी, अगर सच में आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम ऐसी है कि जो आपको लगता है कि सच में जरूरत है, तो प्लीज सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इतना लालची भी नहीं बनना कि हमारा कोई क्वेश्चन ना हो, जबरदस्ती क्वेश्चन बना ले और जो बेचारे जरूरतमंद हो वो रह जाए, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं बनना, हमेशा मतलब गिविंग भी बन के देखो। मुझे नागे सर बोलते हैं कि मैम आप बहुत गिविंग, मतलब अंदर से ही है वो, इतना भी होना सही नहीं है। तो थोड़ा सा सब लोग थोड़ा थोड़ा मुझसे ले लो प्लीज, मेरे में बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। पर अभी तो मैम वैसे ही भरी बैठी है ना, गुरु से मिलके आई है, 6 दिन मेडिटेशन कर अज्ञातवास में होकर आई है। चलिए किसी को नहीं पता होता कब मैं जाती हूँ, मेरे घर वालों को भी नहीं पता होता है कहाँ गायब हो गई है। हाँ नीलिमा कैसी हो, आपका नाम प्रणाम। माँ को देख के खुश हो गई ना इतने बिल्कुल दिनों के बाद ना कब माँ का क्लास आ जाता है ऐसे होके वेट करती हूँ ना। मैं भी माँ तुम्हें याद मुझे कर, आज, हाँ माँ ने बताया जो जो कोर्स किया है मैंने, माँ के साथ स्विच हुआ, रेमिडीज, ऑयल मेकिंग, ये सारे कोर्सेस किए ना माँ, कल ना एक काम से निकल रही हूँ, आपका आशीर्वाद और सर का भी आशीर्वाद चाहिए किसी के लिए ना, किसी के लिए मैं काम करने के लिए, रेमिडी के लिए मैं निकलती हूँ कल ना। ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही हो, साउथ। राजा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जा रही हो, ठीक है। नेपाल में ही है माँ, वो जाना है वहां ना, थोड़ा माँ ने जो सिखाया है वो करके वापस आना है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। अच्छा तुम्हारे पोखरा में एक बाराही मंदिर है हाँ ना, बाराही मंदिर, हाँ माँ वहां की मिट्टी लेके आना, ठीक है। बाराही तो नहीं पहुंचेंगे माँ, अभी हम जब भी जाओगी, दोलखा दोलखा बोलेंगे, हाँ वहां जब भी जाएंगे तो याद करके आ जाएंगे। जब भी तुम वहां जाओगी ना कभी भी, ठीक है, तो वहां की मिट्टी लेके आना और उस मिट्टी को अपने वर्क स्टेशन पे रखना, ठीक है माँ, बांध के। किसी से मंगवा सकते हैं माँ, किसी से हाँ बोल के मंगवा लो, मंगवा किसी लूँ? से भी मंगवा लो, गोल्डन कलर के एक मोजो बैग में उसको टाई अप करके उसे अपने वर्क स्टेशन पे हमेशा के लिए रखो, ठीक है माँ, ठीक है। फिर तुम्हारे सारे ठीक स्मेल हर जगह लगेंगे और अभी भी अच्छा ही होगा सर।
मेरी ब्लेसिंग है। ठीक है, वही चाहिए वही चाहिए। अच्छे भाव से अगर सबका अच्छा करोगे ना तो 100% रिजल्ट आएगा, 100% बिल्कुल आएगा। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो गॉड ब्लेस यू। हाँ अभी तो जी, सविता जो लोग रास्ते में जा रहे हैं वहां बोलते हैं, यहाँ नेपाल में सबसे बड़ा मंदिर है डोलखा, भीमसेन बोलते हैं, भीमसेन का मंदिर है वहां रास्ते में। हाँ वहां जाना है ना, वही रास्ते से जाना। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। और जब भी कभी भी, सबके लिए बता रही हूँ मैं, जब भी कभी भी कोई भी किसी के लिए कोई स्पेल करता है या कोई भी वास्तु करके आ रहे हो या कोई भी किसी भी तरह की विजिट लगा के आ रहे हो, टैरो रीडिंग करके आ रहे हो, स्पेशली फॉर दी टैरो रीडर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, रीडिंग देने के बाद कोशिश करो कि आप मंदिर में जाके या किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे जाके 5 मिनट के लिए बैठ के आ जाओ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रीडिंग के बाद की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑयल लगा के जाऊंगा, हाँ प्रोटेक्शन बिल्कुल, ऑयल लगा के ना। रोड ओपनर और प्रोटेक्शन को यूज करो। रोड ओपनर है तुम्हारे पास? हाँ है माँ, लेके हाँ आई हूँ ना। बिल्कुल, उसे लेके जाओ और आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना लगाते हुए बस। ठीक है माँ, वहां से कुछ हो गया तो मैं आपको कॉल करूंगी ना फिर। कर लेना, वॉइस मैसेज भेज देना, ठीक है, मैं रिवर्ट करूंगी नीलिमा, ठीक है। ठीक है हाँ माँ, ठीक है आ माँ, जाओ, प्रणाम। हाँ आ जाओ सविता। मैम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी बहू बेटे को ना सपने आते हैं कुछ अजीब अजीब, लाइक जैसे बहू को तो आता है जैसे कोई उसको मार रहा है रास्ते में, तो उसका भाई उसको फोन करता है कि नहीं तू उधर से मत आ, उधर से आ, वहां पे भी तेरे लिए लोग खड़े होंगे तुझे मारने के लिए, लाइक दैट। और बेटे को आते हैं ये राइट पड़ोसी जो है वो किसी को मार के और वॉशिंग मशीन में उसको घुमा रहा है, कभी लेफ्ट पड़ोसी का आ जाता है ऐसे, आई डोंट नो क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बार बार आता है ये सपना, सेम सपना बार बार आ रहा है कि एक दो बार ऐसा है? एक बार राइट पड़ोसी का, एक बार लेफ्ट पड़ोसी का, एक बार मेरी सिस्टर जिसकी डेथ हो गई है उसका कुछ आया ऐसे, और बहू को मोस्टली प्रोफेशन रिलेटेड कभी कभी आते हैं, और आजकल ऐसे वाले आ रहे हैं, उसको नींद भी नहीं आती है बहू को। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केस में क्या होता है कि ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि हम, हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है, कुछ हमारे प्रीवियस लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं, तो वो हमारे सपनों में अक्सर चलते हैं। हमें सपने उसी चीज का ही आता है जो हम सोचते हैं और जो हमारे ऑलरेडी ब्रेन में है, या कोई ऐसी घटना जो हमारे साथ घट चुकी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक ब्लैक कलर की कैंडल लेके आओगे, काले रंग की कैंडल के ऊपर आप नेगेटिविटी रिमूवल, एक ऑयल है हमारा, वो डॉक्टर नागेश से मंगवा लो, ठीक है, और वो मेरे हाथ से ही बना हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी चैंटिंग हो रखी है। उस कैंडल के ऊपर, ब्लैक कलर की कैंडल के ऊपर आप वो ऑयल लगाओगे, जो ऑयल लगाओगे आप वो नीचे से ऊपर लगाओगे, क्योंकि हमें किसी चीज को उतार के अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना है, तो हम नीचे से ऊपर लगाएंगे। अगर किसी चीज को लेके आना है तो ऊपर से नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो आप उसको नीचे से ऊपर लगाओगे ऑयल को, कैंडल को आप जलाओगे 21 दिन तक, मतलब 21 दिन तक 21 कैंडल प्रोटेक्शन ऑयल लगा के, या नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल मंगवाओ, प्रोटेक्शन रहने दो, अभी 21 दिन नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल, ठीक है। और उसको सोते समय अपने कमरे में उस कैंडल को जला लोगे, और उस कैंडल के पास बैठ के दोनों 21 दिन लगातार बोलेंगे, वी कट आवर कॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दी नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल दी नेगेटिव थॉट्स। हम सभी नेगेटिव एनर्जीज से और सभी नेगेटिव, ये सब लोग लिख लो, अगर किसी को इस तरह के सपने आते हैं, किसी के बच्चे को आते हैं, तो उन नेगेटिव एनर्जी से आपको किस तरह से कॉर्ड्स कट करने हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ पिछले जन्मों के वादे भी होते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे पास एक केस आया था, एक केस आया था, उसमें क्या केस था कि उस लड़की के सर में बड़ा दर्द होता था,
बहुत पेन था, मेरे एक फ्रेंड था उसने पैरासाइकोलॉजी किया हुआ है, तो ही साउथ इंडियन, तो वो केस हमने इकट्ठे ही हैंडल किया था। तो उसको पास लाइफ रिग्रेशन करा के हमने धीरे धीरे पीछे लेके गए, तो हमें पता चला कि उसकी जो मृत्यु हुई थी लास्ट लाइफ में, उसका वो पहाड़ से नीचे गिरी और उसका सर लगा पेड़ के ऊपर और उसकी उसके बाद उसकी डेथ हो गई। वो सर लगने से पहले जो उसने विजुलाइजेशन देखा कि एकदम से मेरा सर लगेगा और मैं मर जाऊंगी, वो लास्ट थॉट लेके वो मर गई। उसके कारण ही उसको बचपन से ही बहुत गंदे वाला, जैसी सोचती है वैसे दर्द होना शुरू हो जाता। तो हमने उसको ये विधि कराई थी कॉर्ड कटिंग की। ऐसा भी कई बार होता है कि हमारे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से उन कर्मास को हम बार बार भोग रहे होते हैं। उन लोगों के लिए भी कि जो बार बार एक कह देते हैं नेगेटिविटी पनौती बन गई है जिंदगी में, बार बार नेगेटिविटी आ रही है, बार बार गलती हो रहा है सब, कभी कोई बीमार है, कभी कोई मर रहा है, कभी कहीं से नेगेटिव बातें आ रही हैं, तो उस समय भी आप अपने उस ब्लैक कैंडल को लगाएंगे, नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल लगाएंगे, उसके सामने बैठ जाएंगे और अपनी नाभि के पास दोनों हाथों को रख के, राइट हैंड को ऊपर रख के आप बोलोगे आई कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दी नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल दी नेगेटिव थॉट्स। क्या करोगे? कट कट कट। 21 दिन तक 3 बार ये बात बोलनी है लगातार, ठीक है? तो आप इसको कंटिन्यू करो, इसको 21 दिन तक करोगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखो ये चीजें प्रैक्टिकली हमने की हैं, बिल्कुल की है। मैम, इसका कनेक्शन किसी प्लैनेट के साथ भी होता है? ये जो इसका कनेक्शन क्या कह रहे हैं आप? बैड ड्रीम्स आते हैं, इनका कनेक्शन किसी प्लैनेट के साथ भी होता है, लाइक मून? यस yes, बिल्कुल, वो तो होता ही है। लेकिन बात तो यही है ना कि आप कोई भी रेमेडी करते हैं ना, चाहे नंबर्स की कमी है, चाहे प्लांट की कमी है, चाहे कोई वास्तु दोष है, ठीक है? तभी मैंने अभी अनम्यूट किया है, मैं सुन रहा था, मैं अपना कुछ काम भी कर रहा हूँ दूसरे लैपटॉप से, और मैम का वेबिनार भी अटेंड ही कर रहा हूँ। तो जैसे मुझे आपको लगा, तो बेसिकली क्या है कि जब भी नींद की कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी बच्चे को, तो कुंडली का फोर्थ हाउस और वास्तु के अंदर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होगी ही होगी, ठीक है? अब इन दोनों को ठीक कैसे करें, जो मैम ने बताया वो तो कर ही लेना आप। इसके साथ साथ आप जो बच्ची है उसके रूम के नॉर्थ वेस्ट में आप अपनी फोटो एक लगाएंगे सुंदर सी, ठीक है? बच्चे के साथ हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अकेले भी लगा सकते हैं। तो बच्ची जिस रूम में रहती है उस रूम के सेंटर में खड़े होना और देखना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहां पर आ रही है कंपास से, वहां पर अपनी फोटो लगाइएगा, ओके? और डेली कुछ दिन तक एक व्हाइट कलर की कैंडल, बाकी मैम बता देंगे ऑयल कौन सा लगाना है, ऑयल की मुझे नॉलेज नहीं है, बोला वो नॉर्थ डायरेक्शन में ना, उस कमरे के नॉर्थ डायरेक्शन में एक व्हाइट कलर की कैंडल को जरूर बर्न कर दो, ठीक है? इतना करना शुरू कर दो, बच्चे को नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। और कहना कि जो वैसे नींद क्या है, सबसे बड़े सुख दो बताए हैं शास्त्र ने, जब ज्योतिष, तभी कहना ज्योतिष पढ़ लिया करो थोड़ा सा, पहला है माँ का साथ होना और दूसरा है एक अच्छी नींद। ये दो ही सुख है जिंदगी के, बाकी तो सुख आते जाते रहते हैं। दो सुख भगवान ने जो बताया, शास्त्रों ने जो बताया है, एक माँ की ब्लेसिंग होना, माँ का साथ होना और एक अच्छी नींद आना, इससे बड़े सुख दुनिया में नहीं है। और ये दोनों ही चीजें वास्तव में नॉर्थ डायरेक्शन से देखी जाती हैं और कुंडली में फोर्थ हाउस से देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो पीड़ित है, तभी से चीजें हो रही हैं, ठीक है? तो आप ये दो रेमेडी और एड ऑन करा लेना, आप देखिएगा डेफिनेटली इससे रिलीफ मिल जाएगा बच्चे को। और बच्चा आपका हो या हमारा हो, बच्चे तो हमेशा ठीक रहना चाहिए, पेरेंट्स की जान अटकी रहती है उनमें, तो आप ये कीजिएगा डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा, ठीक है? और फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर लेना, मैं एक दो रेमेडी और बता दूंगा कुंडली देखकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप, ठीक है? धन्यवाद। ठीक है, तो सर ने बताया व्हाइट कैंडल, बिल्कुल आप पहले 21 दिन तक ब्लैक कैंडल को लगाओ, नेगेटिविटी को रिमूव करो, उसके बाद यूज व्हाइट कैंडल फॉर दी प्रोटेक्शन। व्हाइट कैंडल क्या होता है कि आपको, मतलब व्हाइट कैंडल हम तब लगाते हैं जब हमें एंजल्स को अट्रैक्ट करना हो, ठीक है? तो हमें उससे पहले ऑरा क्लिंजिंग के लिए एक बार नेगेटिविटी रिमूव करना पड़ेगा। और जैसे ही अगर आपको 21 दिन से पहले ही लगता है कि नेगेटिविटी रिमूव हो गई, तो आप
वाइट कैंडल को लगाना फिर, ठीक है, उस पर प्रोटेक्शन ऑयल लगा के, या एक हमारा ब्लेसिंग ऑयल होता है, ब्लेसिंग ऑयल लगा के उसको यूज करो, ये परमानेंटली प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। किस दिन अगर आप कॉर्ड्स कट करोगे ना सविता, 100% रिजल्ट है इसका। ठीक ठीक है, है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पारुल जी, पारुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप वो माइक हटा दीजिए या ईयरफोन आपने लगा रखा है शायद कोई। पारुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। आज काफी नए लोगों ने भी ज्वाइन किया, नए नए हाँ ठीक है। हाँ पारुल जी आ जाइए। पारुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अगर ईयरफोन लगा रखा है तो उसको हटा दीजिए, या कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके माइक्रोफोन में, नहीं आ रही पारुल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही पारुल जी। कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिए, हम आपको बाद में बुला लेंगे। मोनिका जी, हेलो सर, हेलो मैम, हाँ जी, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय कृष्णा मैम, जय श्री कृष्णा मैम। ठीक है सब, और बहन का ऑपरेशन करा दिया है, तो आपसे ये जानना चाह रही थी मैं कि क्या मैजिक, मतलब कैंडल मैजिक करके कुछ ठीक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हीलिंग ऑयल लगाओ, नॉब कैंडल आती है, नॉब कैंडल के ऊपर हीलिंग ऑयल लगा के उसको एवरी मंडे बर्न करो, ठीक है, एक नॉब को बर्न करना है, और फिर कंटिन्यूअसली 7 डेज भी बर्न कर सकते हो उसे। नॉब कैंडल मंगवाओ, नॉब कैंडल में 7 नॉब्स होते हैं, उस पर हीलिंग ऑयल लगाओ। हीलिंग को हमें अपनी जिंदगी में लेके आना है तो ऊपर से नीचे लगाना पड़ेगा ऑयल को, ठीक है, उसको बर्न कर लेना और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और हर नॉब के ऊपर अपनी सिस्टर का नाम लिख के अफर्मेशन लिख देना कि शी इज टोटली फिट एंड फाइन, ठीक है। ओके मैम। मैम एक चीज और पूछनी है कि मैंने सर से बहुत सारे कोर्स किए हैं, बड़े बड़े भी किए, छोटे छोटे भी किए, पर मैम पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं कोई कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। जैसे मेडिटेशन करना है तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि पूरा दिन और रात भी, मतलब मैं बिजी ही रहती हूँ। जब से मैंने ये ऑफर ज्वाइन किया है, मतलब मेरा इंटरेस्ट इधर बढ़ा है, हर एक चीज मैंने सर से सीखी है, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ कुछ मैम, तो ये क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, रोड ओपनर यूज करो, रोड ओपनर, तुम भी नॉब कैंडल ही यूज करो, उसके ऊपर रोड ओपनर ऑयल लगाओ और उसको यूज करो, ठीक है। और पर्सनली पर्सनली कंसल्टेंसी ले लो एक बार मुझसे, ठीक है। मैम मैंने आप किया था पर आप शायद बिजी हो गई थी तो आपसे कंसल्टेंसी हो नहीं पाई थी। वही है कि भी मेरा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि भाई मैं पर मैम प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें सीख रखी है पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, और मैं करना चाहती हूँ सबके लिए। बहुत सारे लोग आसपास ऐसे हैं करना जिनको चाहती बहुत प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, तुम करना चाहती हो ना, नेगेटिविटी को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका, सबको बता रही हो, सबको बहुत इजी है। बॉस अगर कोई चाहता है कि मेरा कोई काम नहीं बनता है, मुझे जो मैं डिजर्व करती हूँ मुझे वो नहीं मिलता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो रास्ते नहीं खुल रहे हैं, ठीक है, सूर्य उदय से पहले उठ के, ठीक है, नहा के सूर्य की एनर्जी को लो। अगर जल नहीं चढ़ा सकते हो ना चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जल के पीछे नहीं बैठे सूर्यदेव। बहुत लोग जल चढ़ा रहे हैं, उनको 1-1 बजे तक भी जल चढ़ाते हैं, जल की उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको मिलो, उनकी रेड एनर्जी को अपनी बॉडी में लो, और एक कॉन्फिडेंस रिसीव करो उस रेड एनर्जी को, और अफर्मेशन दो कि आई एम टोटली बोल्ड, आई एम गेटिंग वॉट आई वॉन्ट, मुझे सब कुछ मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। मॉर्निंग रेड सन की एनर्जी जो है वो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, और फीमेल्स के लिए तो वो बहुत अच्छी है। आपकी जीवन से जितनी नेगेटिविटी है, जितनी दरिद्रता है ना, वो सब उखाड़ के बाहर फेंक देता है सूरज। लेकिन दिक्कत क्या है, अब गर्मियां हो गई हैं, एसी से बाहर सारी मैडमें निकलेंगी नहीं, है ना, क्या करें। चलो कोई बात नहीं,
सूरज देवता बेचारे खड़े रहते हैं आपकी वेट में कि कितने सुंदर सुंदर लेडीज को देखूंगा मैं, ये एसी से बाहर ही निकलती तो प्यारे प्यारे चेहरे सूरज देवता भी तरस जाते हैं, इसीलिए फीमेल्स को मैम चांद। तो, मैम तो सुबह जल्दी उठना है बस, और जो ये ब्लॉकेज आ रहा है मेरी लाइफ में, मैं कुछ मतलब इतना सारा सीखने के बाद भी मैं जहां की तहां ही हूँ, मुझे दो लगता है कि मैं चीजें कर आगे लो नहीं बढ़ पा रही हूँ। मानिका, सिर्फ दो चीजें कर लो तुम्हें, और किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। और अपनी जिंदगी से ना नेगेटिव लोगों को बाहर निकालो, मैम दूसरों की प्लीज मुझे, मैम प्लीज मुझे अपनी परमानेंट शिष्या बना लीजिए, मुझे मतलब मैं एक ही जगह पर स्टक हूँ, मैं सच में मुझे मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ करना है, और जब अगर मैं कोशिश करती हूँ कि चलो छोड़ दूँ ये सारी चीजें ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये चीजें नहीं छोड़नी है, इससे तो बहुत सारे लोगों को मतलब मैं आराम दे सकती हूँ, तो मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि इसी रास्ते पे चलना है पर मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात, ये सब लोगों को मैं बोल रही हूँ, जो भी लोग मेरे कोर्स में मेरे साथ एक बार भी अट्यूनमेंट ले लेते हैं ना, उन सबसे मेरी एनर्जी कनेक्टेड ही है, चाहे आप मुझसे बात करो या ना करो। मैं आज से 1 साल पहले हेमल से मिली थी, तब मैं इतने ज्यादा कोर्स भी नहीं लेती थी, लेकिन हेमल से एनर्जी मेरी आज भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मैं सबको बोल रही हूँ, जब भी मैं खुद किसी के लिए हीलिंग करती हूँ, रोज एक नियम भी बना हुआ है मेरा, ठीक है, जब भी हम उस स्थिति में होते हैं तो हम अपने सभी बच्चों के लिए, सबके लिए वो प्रार्थना करते हैं। अगर अभी तक तुम जुड़ी हुई हो ना अकल्ट से, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, तो परमात्मा ने कुछ बड़ा सोचा है, नहीं तो अभी तक तो छोड़ के कि कहीं और कुछ कर रही होती। मैम बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन मैंने भी ठान रखा है कि मुझे ये करना है, और मैं भी पीछे नहीं हट रही हूँ, मैं भी नहीं हट रही हूँ अपनी जगह से, पर जरूरत क्या है हटने फिर की? भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं वही की वही खड़ी हूँ। अच्छा, तो इसका डिजायर भी छोड़ दो तुम, कि आगे बढ़ना है मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कहीं आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, और इसी की वजह से कई बार मैं डॉक्टर नागेश से सुन भी लेती हूँ, वो सुना भी देते हैं कि आप कुछ कर लो। सीरियसली कभी सोचती ही नहीं हूँ कि कोई कोर्स भी कराना है। बच्चों के मैसेज आते हैं, जब बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं तब मैं जागती हूँ कि हाँ भाई लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इनके लिए कुछ करूँ, क्योंकि अस्तित्व चाहता है। तो खुद कर्ता मत बनो, ये जीवन जो है ना ये कर्ता से या कर्ता की यात्रा है, जिस दिन तुम अकर्ता में आ गई ना सब कर जाओगी, प्रेजेंट में रह के सब करो, और किल्सो मत कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ वो नहीं कर रही। अब मैं रोने लग जाऊं कि यार मेरे को तो ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला, मैंने किया कुछ नहीं है ऑस्कर के लिए, और मैं रोती रहूं है ना कि भाई यार मेरे को तो किसी ने हीरोइन नहीं बनाया, मुझे तो अल्लू अर्जुन नहीं मिला है ना, तो मैं तो कुछ और डिजर्व करती हूँ क्या यार? क्यों क्यों मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्यों सोच रहा है? छोड़ दो पर क्रिप मैम कर, जो जो ये सब सीखा है, सर ने इतने अच्छे से सिखाया है, तो वो किसी आएगा के अच्छे के लिए आएगा। काम आएगा, तो वो अच्छा रहेगा ना। सुनो अभी बहुत ज्ञानी है दुनिया में, इसीलिए अभी तुम्हें परमात्मा नहीं पकड़ रहा है, ठीक है, अभी हम जैसे लोग भी हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, 2004-5 से मैं सब कुछ करके बैठी हूँ और कमाई हूँ सबके सामने, सोचो देयर वॉज नो डिजायर, डिजायर ही खत्म हो गए, जगाते हैं कि डिजायर आ जाए वो भी नहीं आता, क्या करें? तो क्यों एक बार बार अंदर से ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, यार छोड़ दे सब कुछ। मोनिका मेरी शिष्य बनना है ना तुझे, सच बता रही हूं मैं गर्दन काट दूंगी, ऐसी हूं हाँ मैं। मुझे आपकी शिष्या बनना है मैम, प्लीज हाँ तो फिर मैं जब परीक्षा लेने पे आती हूँ तो बहुत मैं हर बात, टेस्ट मैं तैयार हूँ हर टेस्ट पास करने के लिए तैयार हूँ, पर पीछे हटने के लिए नहीं तैयार हूँ मैं। अभी एक एस्ट्रो गैलेक्सी की एक शिष्य है जिसकी परीक्षा चल रही है पिछले 1 साल से लगातार, ठीक है, उसके पिछले 1 साल से लगातार मुझे डेली सुबह मैसेज आता है, गुरु माँ को सदर प्रणाम, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे बना है, पिछले 1 साल से वो मुझे बोल रही है मुझे मिलो मुझे मिलो, और ऐसा कोई दिन नहीं है जब उसने मुझे मैसेज नहीं किया, एक भी दिन नहीं है।
और अशोक जी भी है यहाँ पे नीदरलैंड से, ऐसा एक दिन नहीं है जब वो मुझे मैसेज नहीं करते। जिस दिन उनकी अंदर की इच्छा खत्म हो जाएगी ना कि ये तो कभी बुलाएंगे ही नहीं, उस दिन प्रकट हो जाऊंगी। समझ आई? तो छोड़ दो ये सब चीजें, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, और जो समय आया है ना उसे एंजॉय करो। यू आर इन अ लर्निंग फेज, ठीक है? अभी तुम ये मान के चलो कि तुमने 12th करी, अभी ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन के बाद ही तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, ठीक है? तब तक तो ये टीचर बैठे हैं, ठीक है? किलस ठीक है मैम। ना बंद कर दो यार। और मैम कैंडल लगाना किस दिन है, बहन के लिए उसके ठीक होने के लिए? मंडे के दिन लगाना है, और तुम्हें रोड ओपनर लगाना है ट्यूसडे को और सैटरडे को, ठीक है? और सब रीलिंग आप बता रही हूँ बतानी थी। कि जितने भी, सबके लिए बता रही हूँ, जितने भी नेगेटिविटी के स्पेल्स हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करना है, किसी प्रॉब्लम का हल निकालना है, ठीक है? तो ये सारी स्पेल्स जो है, या जो कैंडल्स हैं, ये सारी की सारी है ना, सिर्फ एक मैम अभी जिनसे बात करी थी उनको छोड़ के सबको बता रही हूँ, वो ट्यूसडेज और सैटरडेज को शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ और मनी अट्रैक्शन थर्सडेज और फ्राइडेज को, प्रॉस्पेरिटी मनी पढ़ाई को लेके, और बीमारी से रिलेटेड सारी चीजें मंडे को शुरू होंगी, ठीक है? मैं तो बोलती हूँ कि दवाई भी कोई नई शुरू करनी है ना, मंडे के दिन शुरू करो, जल्दी छूट जाएगी, ठीक है? हाँ ओके मैम। जी, आ जाओ, और किसको बुलाएं? चलिए आ जाओ। कैसी हो गगन? यस मैम, खुश हो जय गई, श्री मेरे कृष्ण मैम, नंबर जय आ श्री गया। कृष्ण। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी मैम। खुश हो अच्छा गई मैम, मैं। अभी इस टाइम ना थोड़ा बहुत, ऑफ कोर्स मैम, लग नहीं रहा था कि कॉल आएगा। चलो कोई ओके बात नहीं, मैम, इस टाइम ना थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस बहुत अनफेवरेबल से हो रहे हैं हमारे ना। एक पूरा बिजनेस स्टॉप हो गया है अच्छा खासा, और नए में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं। तो फिर कौन सा ऑयल मैं यूज करूं या क्या करूं जिससे थोड़ी सी आगे कुछ कनेक्टिविटी आए, कुछ आगे रास्ता नजर आए। मतलब किसी बिल्कुल ऐसा का हो गया काम है कि किस चीज बहुत हाई पोजीशन से लो पे आ गए हैं नहीं, और आगे काम अब रास्ता नहीं नजर आ, कहाँ जाएं। काम किस चीज का है? मैम टॉयज का काम था सदर बाजार में। हाँ जी, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैम। काम टॉयज का था लेकिन वो खत्म हो गया, एकदम जीरो हो गया, बंद करने पड़ गई शॉप। अब जिस काम में जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहां कुछ आगे समझ ही नहीं आ रहा। एक ये ट्रांसपोर्ट का शुरू किया गाड़ी, उसमें भी नुकसान होना शुरू हो गया है, बिल्कुल स्टक हो गए हैं। उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं आपकी अभी? मैम एक से शुरू किया है और उस पर भी लॉस आ रहा है। मतलब जो पहले तो टॉयज का ही थे ना, नया शुरू किया उसके बाद। आप अपनी गाड़ी पे स्विच वर्ड लिखोगे, गार्ड, GARD, गार्ड, ठीक है? ओके, गार्ड स्विच किस वर्ड कलर से लिखो, मैम? ग्रीन कलर से लिखना है, ठीक है? ग्रीन या रेड कलर से, ओके, फ्रंट में गार्ड लिख दे, अंदर की तरफ फ्रंट में गार्ड लिख दे मतलब। या नंबर प्लेट जहाँ है, नंबर प्लेट के पीछे गार्ड लिखो। अच्छा गार्ड का कारण क्या है ये सबको बता रही हूँ, हम क्यों गार्ड लिख रहे हैं। जब भी कोई ओके चीज शुरू करते हैं तो हमें पुरानी एनर्जीज का कैच करती है, ठीक है? जब भी हमें पुरानी एनर्जीज कैच करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुरानी एनर्जीज हमारे अंदर ही है, और हम जब नई चीज में हाथ डालते हैं वो पुरानी एनर्जीज उस पे भी काम करना शुरू करती है। तो जो भी चीज हम नई शुरू कर रहे हैं उस पे अगर आप गार्ड लिख दोगे तो वो पुरानी एनर्जीज उसको कैच नहीं करेगी, और खुद भी आप पॉजिटिव होके करो, सब ठीक हो जाएगा, 21 मई के बाद सब ठीक हो जाएगा, टेम्पररी है ये। टेम्पररी आवाज नहीं आ रही गगन आपकी? है तो मैम, इसके साथ कुछ और भी शुरू करें जैसे कुछ शॉप वगैरह खोलने की सोच रहे हैं।
मैम इसके साथ कुछ और भी करें जिससे से कोई शॉप वगैरह खोलने की सोच रहे हैं? नहीं गगन, आप एक बार ना डॉक्टर नागेश से पर्सनल कंसल्टेंसी ले लो, ठीक है? चार्ट देख के वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। बाकी अगर मुझसे लेना चाहते हो तो हमसे कंबाइंड कंसल्टेंसी ले लो, अच्छा। ठीक है? हम दोनों बैठ जाएंगे तो अभी इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है, क्योंकि हो सकता है कि कोई मतलब अच्छा एनर्जी भी हो, नेगेटिव एनर्जी भी हो, तो उसमें कुछ चीजें हम करवाते हैं जहां से हम पता चलता है एग्जैक्टली। तो मैं अब ऐसे नहीं बोल पाऊंगी जो मेरे अभी मुझे दिखा, तो मैंने आपको यही बोला कि कहीं ना कहीं वो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आप ही के थ्रू जो है वो नई चीजों में जा रही है, ठीक है? ठीक है, अच्छा तो ठीक है, डेली सॉल्ट वाटर बाथ लेना शुरू करो तुम भी। तुम्हारा ऑरा बहुत अच्छा। डिस्टर्ब है अभी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है हाँ मैम पिछली बार। सर्कमस्टेंसेस वैसे। हाँ हाँ वो अब पिछली बार से ज्यादा डिस्टर्ब है तुम्हारा ऑरा, ठीक है? अच्छा तो अपने आप को डेली सॉल्ट वाटर बाथ लो, रेकी हीलिंग करो। रेकी का ध्यान नहीं कर रही हो तुम? नहीं हाँ कर नहीं रही? कर पा रही मैम, नहीं मैं कर कर ही रही? नहीं पाती, कोई ना कोई होता है मतलब रूम में। नहीं कर रही हो? वो मुझे दिख गया हाँ है कि नहीं कर रही हो। हाँ अगर कर रही होती तो मुझे दिखाई देता। यहाँ हाँ पे जो नहीं लोग कर पा का ध्यान कर रहे हैं उनके चेहरों से मुझे पता चल रहा है कौन कर रहा रही। नहीं मैम कर ही नहीं पा रही, कभी बेटा साथ होता है, कभी कोई होता है, मतलब ऐसा है कि मिल ही नहीं पाता मुझे, कैसे करूँ मैं। है। हाँ तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट वाटर बाथ लेना लेना शुरू करो। अब मेरा जो नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल है मंगवा लो एक बार। अगर ये वर्कशॉप नहीं ज्वाइन करोगी तो ऑयल मंगवा लेना, अगर ज्वाइन करोगी तो खुद बनाना सीख। ठीक है। अगर तुम अकल्ट में भी कुछ करती हो ना तो इसमें भी आगे जाऊंगी विद इन ओके 6 मंथ, ओके ठीक है? अगर सदर बाजार में शॉप है वहां पे अकल्ट का सामान बेचना शुरू कर दो, अच्छा वो भी चल जाएगा। सदर मार्केट तो बहुत बड़ी मार्केट है, वहां तो हाँ सब कुछ जी चल जाता है। मैम, वहां पे छोड़ना पड़ गया ना, वो बहुत ज्यादा कर्ज वर्ज हो गया था वहां पे, तो वो शॉप्स बंद करनी पड़ गई, अब वहां पे जाना मुश्किल है दोबारा से। एक बार जब आप अपनी चार्ट रीडिंग करवा लो, ठीक है, ओके डॉक्टर ओके ठीक नागेश से करवा लो, ठीक है, और एक बार साइकिक रीडिंग मुझसे करवा लेना। तो है जो भी ठीक। उस समय मुझे जो दिखेगा फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मेरे को यही लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी इज ट्रैवलिंग थ्रू यू टुवर्ड्स द न्यू थिंग्स, ठीक है? ठीक ओके 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 है, हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। जी। नेक्स्ट कौन है? रीना आ जाओ। हाय नमस्ते मैम, नमस्ते रीना, कैसी हो? ठीक तो नहीं लग रही होंगी आपको। बताओ क्या हो गया? मैम मेरे यहाँ हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, भाई की भी शादी हुई थी, दो शादी हो गई, डाइवोर्स उसका हो गया, मेरा भी डाइवोर्स हो चुका है, और मम्मी अपना बीमार ही रहते हैं, घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और पैसों का भी बहुत लॉस होता है, कहीं किसी चीज में पैसे की बर्बादी होती ही रहती है, भाई का भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हमारा भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कहीं से कुछ होता ही नहीं है, सारे रास्ते लगते हैं सब बंद हो गए हैं। घर में बंगला मुखी का हवन करवा लो एक बार, ठीक है? माँ बंगला मुखी का हवन करा लो, सब लोग मिलके बैठ जाओ, ठीक है? बंगला मुखी का हवन कराओ और पितृ पूजा करवा लो, बस सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। गर्भित हो रहा। प्रणाम, बंगला मुखी नाम क्या नाम है आपका बेटा? मैम, मेरा नाम हरलीन कौर है हाँ जी हरलीन बोलिए। मैम। लास्ट 5 ईयर से मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, हमारे भी जैसे लाइक सदर में दो दुकानें थी, एक सौ शॉप मेरी सेल आउट होगी, तो मैंने उसका हमने बिजनेस किया फ्रॉम चाइना से, तो मेरा वो कंटेनर भी वहां पे एयरपोर्ट पे रुक गया, उसके बाद हमने और बिजनेस टर्न में जहाँ भी इन्वेस्ट किया वहाँ हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, और अभी हम घर बनाने की ट्राई कर रहे हैं, मेरा घर भी नहीं बन रहा, न्यू बनाने की हम सोच रहे हैं, वहाँ भी काम अटक रहा है, हमने फिर उसके बाद कार सेल परचेज पे ट्राई किया तो वहाँ पर भी हमारा काम नहीं बना, वो भी मेरा काम रुका पड़ा है सारा, तो हम जो कुछ कर रहे हैं ना मतलब हम पीछे जाते जा रहे हैं, पीछे जाते जा रहे हैं, लास्ट बहुत नीचे हमारा बहुत लाखों का नुकसान हो गया है, तो हम कुछ ब्लॉक भी करते हैं हम पीछे जा रहे हैं, बस आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ब्लॉकेजेस आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रही है ना आपको? ठीक यस है, एक बार क्या कहते हैं,
रोड ओपनर यूज करो, ओके जैसे हाँ जैसे आप रोड ओपनर यूज करोगे उसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। ओके मैम। मैम ये रीजंस क्या है जो इतना पीछे जाते जाते हैं हम, लाइक कुछ भी कर रहे हैं ट्राई करते हैं वो मतलब बेनिफिट तो मिलता नहीं है, लेकिन मनी हमारा ब्लॉक हो जाता है हर जगह पे। कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं वहां पे नुकसान ही होता है हमको। अभी रिसेंटली हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, 4 लाख का वहां मेरा नुकसान हो गया, जबकि चांसेस होते हैं इन दिवाली और उसमें के रेट ऊपर जाएंगे, लेकिन वो हमें बहुत नुकसान हो गया उसमें भी। अभी भी देखो पता है क्या है अरलीन, अभी तुम्हें कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल ओके भी नहीं मैम करनी। कोई काम शुरू करोगी उसमें ना मात्र इन्वेस्टमेंट जो हो ना वही काम करना, ठीक है? तो ओके मैम। लॉस ही होगा, या तो कोई अभी ना तो कोई, मैम बिजनेस करने से भी डर लगता है, मतलब लाइक कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से। ओके हाँ तो अभी या तो कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट है, तभी ये चीजें मैम होती है। जब भी हम नई चीजों में कहीं पैसा लगाते हैं तो इसमें राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। अब चार्ट तो मैंने आपका नहीं देखा है, जहां मुझे दिखाई दे रहा है कि यू शुड नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नेक्स्ट 1 ईयर, ओके मैम अगले अगले 1 साल तक बिल्कुल भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में आप मतलब कहीं भी पैसा मत लगाना, ओके ठीक है? मैम आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स देगा, ठीक है? अभी जो है उसको स्टैगनेंट, उस पोजीशन पे बिल्कुल स्टैगनेंट हो जाओ, ठीक है? रुक जाओ वहां पे। हाँ पढ़ के कोई कोर्सेज करके अगर तुम कुछ कराना चाहती हो तो उसे करो, अकल्ट में तुम जाओ अच्छा कर लोगी, उसमें कोई दिक्कत किसमें नहीं। मैम अकल्ट साइंस में जाओ जो अब तुम अभी कर रही ओके हो, ठीक है? उसमें आगे जा सकती हो। टैरो रीडिंग करो, सर से कोर्स ओके रीडिंग का, तो इस तरह की चीजें करो तो वो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट देगा। अभी किसी भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मत जाना। हस्बैंड का नाम क्या है तुम्हारे? हेमंत होरा। हेमंत। और ये जो बिजनेस था वो ज्वाइंट था कि सिंगल नेम था? पहले सिंगल था, फ्रेंड के साथ करते थे, लाइक जैसे ये इन्वेस्ट करते थे तो वो कंटेनर्स मंगवाता था तो वो आगे किसी को देता था। अच्छा, तो अब जो भी अगर कुछ बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें बोलना कि तुम्हारे नेम से एक बार शुरू करें, ठीक है? मेरे नेम से या तुम्हारे नेम से या किसी भी फीमेल नेम से। फॉर एग्जाम्पल ओके वीनस इज अ फीमेल नेम, है ना? रोज इज ओके अ मैम फीमेल। तो जो भी बिजनेस शुरू करना है किसी मेल नेम से नहीं शुरू करना, फीमेल नेम से शुरू करना एक बार, ओके ठीक है? मैम तो फिर देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। तो एंड कहीं मैम माय माय वन क्वेश्चन मोर मैम, हम घर ना कोलोब्रेशन के लिए देना चाहते हैं लेकिन उसमें मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, लाइक जो हम ऑफर लेना चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहे, तो वो हमारे लिए अभी हम रुके बनवाएं या नहीं बनवाएं अभी घर को। बिल्कुल भी नहीं, अगले 1 साल तक कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इनकम ऑफ सोर्स कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज हमें थोड़ा था कि अगर हम कर पाएंगे तो कुछ कैश इन हैंड आ जाएगा, तो क्योंकि बिकॉज हर जगह कैश ब्लॉक हो गया, एटलीस्ट बहुत ज्यादा कैश ना ब्लॉक हो रखा है हमारे पास, बहुत प्रॉब्लम है मतलब कैश की अभी फिलहाल। अभी फिलहाल 3 महीने रुक जाओ, ठीक है? ओके और मैम बिल्कुल भी अभी ऐसा कोई स्टेप मत उठाना, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए रोड ओपनर करके कैंडल आती है ट्राई कलर की, कैट कैंडल, ठीक है? ओके मैम मंगवा उसके ऊपर रोड ओपनर ओके ऑयल, मैम ठीक है? नीचे से ऊपर, ठीक है? ओके लगा के ऑयल लगा के उसको बर्न करो एवरी सैटरडेज और ट्यूसडेज को, ठीक है? ओके और एक बे लीफ लेके तेज पत्ता लेके उसके ऊपर अफर्मेशन डालो कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो गया है। ओके मैम लिखो या इंग्लिश में लिखो कि एक एक करके लिखो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वीनस से पैसे लेने हैं, वीनस गेव मी माई 10 लाख रुपीज, ठीक है? फिर ओके दूसरे बंदे का नाम लिखो, तो इस तरह ये अफर्मेशन डालो, ठीक है? मैम उसमें उसे लिख के उसको बर्न करना है या कहीं के रखना है। बर्न करना है और उसकी एशेस को बालकनी में बाहर की तरफ ब्लो करना है, ठीक है? ओके मैम ओके ये मैम ट्राई थैंक यू ट्राई कलर की रोड ओपनर आती है कैट कैंडल, ठीक है? ओके तीन मैम कलर उसमें ऑरेंज ग्रीन और येलो होता है, ठीक है? उसको यूज करो, ओके ठीक है? मैम थैंक यू सो मच मैम। अन्वीशा, यस मैम। मैम मेरा ये मैम मैंने आपसे कभी वही मतलब सेक्शन लिया नहीं है इसका, मेरा ये फर्स्ट टाइम है आपके साथ। मैम मैं मैम मेरे माइंड में ना मैम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और मैम पढ़ाई में भी मन नहीं लगता,
अब मैं 20 का हूँ और मैम अब मैंने अब जाकर 12th कंप्लीट कर ली है। और मैम ये भी है कि मैम मेरा दिमाग ना मैम एक जगह रहता नहीं है मैम, और एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है मैम। जैसे कि मैम अभी मैम आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, तो मैम दिमाग कहीं और है, कहाँ किसी और जगह पे। रहते हो? व्हाट इज योर नेम सबसे पहले तो? मैम माय नेम इज मानिक रसोल। अच्छा मानिक, ठीक है। मानिक आपको किसने बताया हमारे बारे में? मैम मेरे फादर ने बताया मैम उनको, मैम उनकी किसी फ्रेंड ने बताया था। अच्छा, तो मानिक अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके बैठो, एक बार चश्मा उतार दो। आंखें बंद कर लो, गहरी लंबी सांस छोड़ दो, एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो, एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो, एक और गहरी लंबी सांस नाभि तक छोड़ दो, एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो। सारे विचार भाग गए हैं, अभी कोई विचार नहीं है तुम्हारे भीतर। बिल्कुल बैठे रहो, आंखें नहीं खोलोगे तुम? जो मैं बोलूंगी उसको देखते रहो बस, जो मैं बोलूंगी उसे देखते रहना। एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो, एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो, दोनों हाथ अपनी नाभि पे लगा लो, एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो, तुम्हारी नाभि से एक ऊर्जा उठ रही है, उसको महसूस करो। नाभि से कुछ उठ रहा है ऊपर की तरफ, छोटी गहरी लंबी सांस छोड़ दो, एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो, दोनों हाथ अपनी छाती पे लगा लो, गहरी लंबी सांस छोड़ दो, एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो, नाभि से एक ऊर्जा उठ रही है, छाती की तरफ जा रही है। विजुलाइज करो, एक ऊर्जा उठ रही है नाभि से छाती की तरफ, सफेद रंग की एक ऊर्जा। देखते रहो, गहरी लंबी सांस छोड़ दो, एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो, दोनों हाथ अपने गले पे लगाओ, गहरी लंबी सांस छोड़ दो, एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो, एक और गहरी लंबी सांस छोड़ दो,
अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, हाथों को नीचे ले जाओ, आंखों को हल्का सा बंद करो। अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखो, फोरहेड पे रखो एक हाथ, गहरी लंबी सांस, आंखों के बीच में उस एनर्जी को फील करो, छोड़ दो। एक और गहरी लंबी सांस, मुंह से छोड़ दो। एक और गहरी लंबी सांस, एक और गहरी लंबी सांस, छोड़ दो। दोनों हाथों को नीचे ले आओ, दोनों हाथों को रब करो, जोर से रब करो, और जोर से, और जोर से, पूरी ऊर्जा लगा दो, और जोर से। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे, माथे पे, आंखों पे लगा दो, अच्छे से टच करो, लगा के रखो, आंखों के ऊपर लगा के रखो, फोरहेड पे लगा के रखो। फील दी सेंसेशन, लगा के रखो। अब तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया है, तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। दोनों हाथों को नीचे लेके आओ, आंखों को खोलो, कैसा लग रहा है अभी? मैम अच्छा लग रहा है। हल्का बनाया है थोड़ा? यस मैम थोड़ा सा हल्का तुम रोज ध्यान करोगे, ठीक है? किसी भी करना। ध्यान शिविर में, ध्यान सेशन में ज्वाइन करो। कुछ नहीं है, एक एनर्जी ब्लॉक हो रखी है अभी तक। बिल्कुल ठीक हो तुम बेटा, सिर्फ मेडिटेशन करो, ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बिल्कुल ठीक हो। 20 साल के हो, 12th की है। कई लोग तो ऐसे हैं जो 50 साल के हो गए हैं और उनकी 10th भी नहीं हुई। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन तो मैम मैं करता हूँ पर मैम नेगेटिव थॉट्स मैम तब भी आते रहते हैं। मेडिटेशन कैसे करनी है? आंखें बंद करके 1 घंटा डांस करना है कमरे में। कोई भी सॉन्ग लगा के लूप पे लगा लेना उसे, लगातार। चाहे कीर्तन का सॉन्ग लगाओ, आंखें बंद करके ऐसे नाचना है कि जिस जैसे तुम हो ही नहीं, ठीक है? और मेरे नंबर पे तुम मुझे मैसेज करना, मैम आई डोंट हैव योर नंबर। कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर नागेश को कॉल करके उनसे तुम मेरा नंबर ले लो। और अगर तुम्हें मेरे साथ ध्यान शुरू करना है तो डॉक्टर नागेश से बात कर लेना। मेरे साथ रेगुलर बैठो, 21 दिन ध्यान करो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, कोई बीमारी नहीं है तुम्हें। खुद के विचार ही बनाए हुए हैं जो दिमाग में घूम रहे हैं, ठीक है? पापा को बोल देना मैं ठीक हूँ, ठीक ओके है बेटा? गॉड ब्लेस यू। अन्वीशा आ जाओ, कैसी हो तुम? स्माइल कर रहे हो। अनम्यूट कर बेटा। मैम मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ बिकॉज नंबर बहुत जल्दी आ गया मेरा। अच्छा, जल्दी आ गया, चल ठीक है, काट देती हूँ, दूसरे को पकड़। नहीं, मैम आज तो कुछ तो डिफरेंट है जो मेरा जल्दी आ गया। आई वॉज उम्मीदें वेटिंग पेशेंटली। तोड़ने में बहुत मजा आता है। अच्छा बहुत शांति से वेडिंग का नाम से नंबर आएगा।
जो जितना ज्यादा मैसेज करता है मैं उतना उतना देर से रिप्लाई करती हूँ उसको। अच्छा हाँ मैम, आई थिंक आपके संग शेयर किया था मैंने मम्मी का लेकर। थिंग्स आर गोइंग गुड, ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, वेरी गुड, बट या इम्प्रूवमेंट भी है। बट सिंस आपने कहा क्वेश्चन पूछ सकते, तो मैंने पूछा था 2000 दिसंबर नहीं अक्टूबर 2020 से ना टिल नाउ चीजें ना मैम होती हैं, गड़बड़ आती है पर सही होती है, फिर स्पीड ब्रेकर आता है बढ़िया वाला, सब चीजें खराब हो जाती है, बैक टू द जीरो हो जाती है। लाइक 1991 चीजें थी, सही होती होती कहीं और फिर खराब हो गई एकदम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में बीमार हैं लोग तो नेगेटिविटी आती है, फिर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है, ये एक सर इससे विशियस सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो इसे डरना नहीं है, ट्राई कलर की कैट कैंडल को लगाओ एवरी सैटरडे या ट्यूसडे, ठीक है, उसके ऊपर रोड ओपनर लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। मंगल हो रहा ठीक है, मंगल होरा में नहीं, नो नॉट नहीं, ऑन मंगल होरा, इज ओनली फॉर सेपरेशन, ये दैट इज सब कुछ ऑनली सेपरेशन, फॉर, थर्ड पार्टी अच्छा ओके, नॉट नेगेटिव गूगल, नहीं, नेगेटिविटी किसी भी समय कर सकते हो, ट्राई ट्राई कलर की कैट कैंडल लगा ले ट्यूसडे और सैटरडे। ठीक है, ओके मैम। मम्मी की जो हीलिंग है उसको बेटर करने के लिए क्या कर सकती हूँ? नॉब कैंडल यूज कर, हीलिंग ऑयल यूज कर उसके ऊपर, और मम्मी को ज्यादा से ज्यादा जो है ना उनको स्पिरिचुअल म्यूजिक में बिजी रख, उनको बार बार बोल के आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, और वो खुद अपने मुंह से बोलेंगी उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, ठीक। एवरी डे बर्न अ बे लीफ दैट शी इज इम्प्रूविंग इन हेल्थ, एवरी डे, ओके शुक्ल पक्ष में शुरू करना। ठीक है, एवरी डे मंडे से दिन शुरू कर ले, माई मदर इज रिकवरिंग। ठीक है, और इसको हर रोज कर, तेज ठीक। पत्ता क्रैक नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, और एशेस को बाहर गार्डन में या फिर ओपन एरिया में ब्लो करना। ठीक है, चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू। हाँ हाँ जी, प्रांजलि, हाँ जाओ प्रांजलि, हेलो माँ। हेलो, हाँ मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है ना, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही मेरे हस्बैंड की करोड़ों की प्रॉपर्टी है एक्चुअली, बट वो सेल ही नहीं हो रही है, है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, तो रोड ओपनर ही यूज करो, ये ब्लॉकेजेस ही हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, एंड मैं एस्ट्रो टॉक पे टैरो रीडर हूँ, डॉक्टर नागेश्वर से मैंने सीखा है, बट ना रीडिंग करने का मन ही नहीं होता मेरा, क्वेश्चन ही नहीं ले पा रही हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अभी मैं आपके ऑरा से बता सकती हूँ कि आप अपने आप को हील नहीं करते हो, कोई मेडिटेशन नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, अपने आप को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको नहीं पता, अनकॉन्शियसली, ये सबको बोल रही हूँ, जितने टैरो रीडर्स बैठे हैं ना यहाँ, रोज फोटो लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, है ना, और हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं अच्छे से, भाई आप बहुत लोगों की नजरों के में आ चुके हो। ठीक है, बहुत लोगों की नजरों में लोग हाय दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ करो, डॉक्टर नागेश गवाह है इस चीज के, जब भी कोई हीलिंग के कोर्स होते हैं उसके बाद मैं एक आधे दिन के लिए बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ, बिल्कुल मेरा थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन 2 दिन के बाद ऐसा बाउंस बैक मारती हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। हम लोगों प्रोटेक्शन के लिए अकल्ट साइंस के लोगों, डेली अगर कोई पाठ पूजा नहीं करनी मत करो, किसी भी मंदिर में, किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे, या किसी भी ऐसी जगह पे, या गार्डन में, मंदिर नहीं जाना चाहते हो, नास्तिक हो मत जाओ, गार्डन में घास के ऊपर जाके लेट जाओ, नेचर की एनर्जी लो, मून के नीचे लेट जाओ, सन से एनर्जी लो मॉर्निंग वाली, अगर मंदिर नहीं जा रहे हो, कोई ध्यान नहीं कर रहे हो, तो ये चीजें भी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल अस्तित्व ने चीजें, यूनिवर्स ने, क्रिएटर ने बनाई हैं, ये मंदिर से कम नहीं है। बार बार बोलती हूँ सन एनर्जी, सन एनर्जी, डिप्रेशन का मरीज है, ठीक है, जैसे ये लड़का है मानिक, परेशान हो रखा है, कोई बीमारी नहीं है ऐसे जबरदस्ती के अपने सर पे बीमारी लेके घूम रहा है। ठीक है, अगर ये मॉर्निंग सिर्फ सन एनर्जी लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
ये बता देती हूँ, उसकी कुंडली में सूर्य वीक होगा इसलिए परेशान है, मून वीक होगा इसलिए परेशान है, बस। सन, मून, नेचर, ग्रीनरी, ये सब चीजें हील करती हैं। आप अपनी नई चीजें लोगों को दिखाते हो कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं। 99% लोग ऐसे होंगे कि क्या तमाशा लगा रहे हैं, लोग आपको जज करते हैं, कोई आपकी खुशी के साथ खुश नहीं है। उस चीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैं सब बच्चों को देखती हूँ, मेरे साथ व्हाट्सएप पे बहुत बच्चे जुड़े हैं, मैं सबको देखती हूँ और मैं फील भी करती हूँ उस चीज को कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये बच्चे कुछ नहीं कर रहे। मेरे ज्यादा हर क्लास में ज्यादा से ज्यादा फोकस ये होता है कि ये बच्चे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। डेली अपने ऊपर प्रोटेक्शन ऑयल को यूज करो। नहीं प्रोटेक्शन के लिए कुछ रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जो गूगल होती है ना, गूगल सबको बता रही हो, हेमल तुम भी बड़े ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है, दिस इज फॉर यू ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज वेन वी कम इन टू लाइमलाइट हमें लोगों की नजर लगती है, एंड आई कैन फील योर ऑरा इज डिस्टर्ब्ड। हेमल मुझे खुद फील हो रहा है कि तुम्हारा ऑरा डिस्टर्ब्ड है, आई कैन फील दैट ऑरा। तो उस चीज को कैसे रिमूव करना है, जब भी आप नहाने जाओगे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका ऑरा बहुत बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, सॉल्ट के साथ हल्का सा जो गूगल होता है, जो नेचुरल वाला लुबान, गूगल लुबान आता है, वो पानी में डिप कर लो, उसको डाल के 5 मिनट छोड़ दो, और इस तरह से नहाओ, सर के ऊपर पानी डालना आपको, इस तरह से नहाओ और उसको विजुलाइज करो कि आपके ऊपर से ब्लैक कलर का गंदा ऑरा, लोगों की नजर जो है वो गटर में जा रही है। इट शुड बी लाइक दिस एंड दैट विल बी अ बिग विजुलाइजेशन, और ये बहुत बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट देगी, और ये करना है आपको। अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी चीजें, यहाँ पे है समीक्षा, है समीक्षा इंस्टाग्राम पे खूब पोस्ट डाल रही है, ठीक है, लेकिन समीक्षा क्या है, लोगों की नजरों में भी आ रही है, ठीक है, समीक्षा फॉर यू ऑल्सो। कृतिका यू ऑल्सो, हाँ मोनिका तू तो है ही है लाइन में, हंस रही है। जितने एस्ट्रो टॉक वाले हैं ना, उनके लिए तो स्पेशली, वहां तो दुनिया भर के परेशान आत्माएं, ब्रेकअप हो गया, पैचअप करा दो, शादी करा दो, घर वाले नहीं मान रहे, रोना धोना दो दो तीन तीन घंटे का, ठीक है, सबसे अफेक्टिव है ये। अगर सॉल्ट वाटर से भी कुछ नहीं हो रहा है, हल्का सा गूगल लुबान लेके उसको पानी में डिप कर लो। अगर किसी के पास रोजमेरी हर्ब है, रोजमेरी एक हर्ब होता है, आप उस हर्ब को क्या करोगे, उस रोजमेरी हर्ब को ऑलिव ऑयल में डिप कर दो, ठीक है, ऑलिव ऑयल में डिप करके उसको 21 दिन तक उसके ऊपर ओम हनुमंते नमः की चैंटिंग करो, ठीक है, और उस वो ऑयल बन गया, वो कटोरी में वो ऑयल जो है, जब भी आप दिया जलाओगे मंदिर में, उस ऑयल को मिक्स कर लो, तिल के तेल से, देसी घी से, जहां भी आप अपने ऑफिस में या जहां रीडिंग ले रहे हो, अगर वो दिया जला रहे हो, उस ऑयल में मिक्स कर लो और उसको बर्न करो। तो ये भी हर तरह से ईवल आई से आपको बचाएगा, ठीक है, और डेली कॉर्ड कटिंग करो। आई कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दी नेगेटिव एनर्जीज, कट 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 कट। अगर पर्सनली आपको लग रहा है किसी को रीडिंग दी आपने, रीडिंग देते ही जैसे ही दैट पर्सन स्टेप आउट ऑफ द डोर, साथ के साथ कॉर्ड कट करो। ये आपका एक पैटर्न होना चाहिए, जिस तरह से रीडिंग देना, 1100 रुपए लिए, 3 पत्ते निकाल दिए, है ना, उसी तरह से ये कॉर्ड कटिंग भी 3 बार जरूरी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रो ट्रॉक वाले तो स्पेशली। टाइगर आई तो पहनते हैं मैम। टाइगर आई पहनो, बिल्कुल पहनो, सब कुछ पहनो, लेकिन एक टाइम पे आके ये सब चीजें भी नहीं काम करती, क्योंकि टाइगर आई में वही एनर्जी आ गई है जो आपकी है। कौन चार्ज कर रहा है फिर आपको, आप खुद ही कर रहे हो, आपके अंदर से जो एनर्जी निकलेगी वही टाइगर आई बन जाएगी। टाइगर आई बेचारा क्या करेगा, वो तो खुद आपके जैसा हो गया, उसको भी चाहिए कोई हीलिंग, ढूंढो फिर कोई बड़ा हीलर,
कोरियर कराओ योग लक्ष्मी को कि मैम चार्ज कर दो, ऐसे नहीं करना। यहाँ जितने लोग बैठे उनको किसी योग लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, अपने अपने दिए खुद बनाओ, मेरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहो, नहीं डॉक्टर नागेश पे, वो तो फोन उठाते ही नहीं है, मैं उससे भी बड़ी हूँ, मैं बिल्कुल ही नहीं उठाती। ठीक है, फिर आप स्पेल करते हो हम लोगों पे ही खोपड़ियां लगा लगा के, यहाँ ये मलस रही है हाँ कनेक्ट कनेक्ट करके डॉक्टर नागेश कनेक्ट है बचाओ, हमारे बच्चे हमें पे टूने कर रहे हैं ठीक है, तो सबको खुद करना है खुद से, और अपनी एनर्जी, अब ये ध्यान कर रहे हो कितना ध्यान करके उसको इंक्रीज करते हो, एक कोई ऐसा गधा इंसान आता है अपना सारा अंदर से गंद निकाल के आपके पास फेंक जाता है, खुद खाली होके जाता है, हाँ मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैं जा रहा हूँ, और आप 3 दिन तक उसके बारे में सोच रहे हो, आपसे बड़ा नालायक कौन होगा। फिर बढ़िया है, फ्री का अपना मतलब समाज सेवा केंद्र खोल रखा है, डिटॉक्स योर सेल्फ, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके रखो, जब आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करोगे आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा, जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो आपके पास उसी वाइब्रेशन के लोग कनेक्ट होंगे विद जेन्युइन प्रॉब्लम्स, ये शादी नहीं हो रही है ना, मम्मी पापा नहीं मांग रहे, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे, रियल टाइम जो चैलेंजेस है ना, मतलब सीखने के लिए भी आपको मिलेगा, फिर एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं फिर वो सामने आएंगे, वो जो तोता पंडित होता है ना उनके पास जाते हैं ऐसे लोग कि शादी नहीं हो रही शादी करा दो, तो इन सब चीजों से ऊपर उठना है, तो उस तरह की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करने के लिए डेली यू हैव टू गेन समथिंग, और जितना अच्छा नेचर आपको ये देगा ना, घास पे जाके लेट जाओ, सन एनर्जी लो, मौन जाके बैठ जाओ, मंदिर में जाके 5 मिनट बैठ जाओ है ना, किसी के पास कार है स्कूटी है, जब रात को ठंडी हवा चल रही हो एक ड्राइव पे निकल जाओ अकेले अपने साथ, ओनली विद सेल्फ, किसी के साथ नहीं, नॉट विद योर हस्बैंड ऑल्सो, उनकी भी एनर्जी नहीं लेनी, वो समय सिर्फ आपका ही होना चाहिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। हाँ जी हाँ नीलू बोलो आ जाओ, नीलू को पहली बार है, नमस्ते। नमस्ते नीलू। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी मैम कि जैसे जो आप बे लीव्स का बताती हैं, तो जो हमको चाहिए उसको उसमें वो लिख कर उसको जलाना है और उसके ऐश को अपने घर में डालना है क्या, कि उसके ऐश को भी बाहर ड्रेन में डालना है? हाथ में लेके फूंक मार देनी है इस तरह से करके, नेचर को दे देना है, अच्छा नेचर में डाल देना है। अच्छा हमको नहीं चाहिए उसकी, उसको है ना, हम हमारे जीवन से जिसको निकालना है उसको हमको ट्रेन में डाल देना है। उसको आप फ्लश में फ्लश ऑफ करोगे, जिस नेगेटिविटी को आपको रिमूव करना है उसको आप फ्लश ऑफ करोगे, आज जो हमको चाहिए वो नेचर में ऐसा फूंक मार के उड़ा देंगे। यस तो ये कब से शुरू करना, मतलब हर एक राशि वाले का डेट एक ही रहेगा कि हर राशि से डेट अलग-अलग हो जाएगा? जिस दिन आपका मन करे ना करने का उस दिन कर लो, वो सबसे अच्छा दिन है, अच्छा तो वो कितने दिन तक लगातार करना है मैम? जब तक आपको अफेक्ट नहीं दिखता, चाहे डेली करो, जैसे अब मैंने अन्वीशा को बोला है कि आप डेली करो, क्योंकि उनके मम्मी जो है वो कैंसर पीड़ित है, उनको दिक्कत है, ठीक है, उनको शायद कैंसर डायग्नोज हुआ था, आई रिमेम्बर, शायद यही अन्वीशा यही है ना, हाँ जी मैम, मुझे ना ऐसा कि एक मेरे पास ऑलरेडी दो घर है, एक और घर खरीदने का हमारा मन हो रहा है, तो उस घर के लिए मैं लिखूंगी कि मुझे ये घर खरीदना है बे लीव्स में और उसको जला के फिर उड़ा दूंगी ऐसा करके ये है डिजायर्स, एक घर है दो घर है तीसरा घर खरीदना है, जी मैम, वो जरूरत है, वो बच्चों के लिए रहने के लिए खरीद रहे हैं, अभी ये दो घर है वो अपने रहने के लिए है। अच्छा ठीक है, तो बच्चे क्या उसके कर बाद रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी शादी हो गई है, वो बैंगलोर में दोनों रह रहे हैं,
और मैं और मेरे हस्बैंड छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनिफेस्टेशन लिखो, बे लीफ के ऊपर ही लिखो, विश मैनिफेस्टेशन पाउडर आता है उसको मंगवाओ, और उसको क्या कहते हैं व्हाइट कैंडल के ऊपर पूर्णमासी के दिन बर्न करो, ठीक है, उसके ऊपर जब खूब पास जी तो कैंडल है तो खूब पास जी हाँ, जो कैंडल है कैंडल के ऊपर उस घर का हाउस नंबर लिख के, वी बॉट दिस हाउस, उस हाउस नंबर को लिख के अब उसको बर्न कर दो, ठीक है, पूर्णमासी के दिन, ठीक है। एक घर अच्छा, मेरे कौन से कोई कलर भी ऐसा कुछ पूछा, एक घर मेरे लिए भी ले लेना उसमें कुछ कलर कुछ डिजाइन है, कलर भी कुछ होता होगा क्या, ऐसा कुछ ग्रीन कलर या ऐसा कुछ, व्हाइट कैंडल में, ओके ओके मैम। वही भगवान के कुल देवता को खूब आशीर्वाद है, सब लोग अच्छे से हैं, पति बच्चे मैं सब कुछ अच्छे से, बहू सब अच्छे से हैं, खूब खूब आशीर्वाद है, और आप लोग का गुरु लोग का भी सब का खूब आशीर्वाद है, हमेशा ऐसे आशीर्वाद अच्छे से बना रहे, थैंक यू। एक बात बोलना चाहूंगी नीलू मैं तुम्हें, ठीक है, बहुत बाहर की यात्रा कर रही है, अब अंतर यात्रा करो। मैं ऑलरेडी है ना साधना में, मैं 97 से है ना ध्यान समाधि अनहद ब्रह्मनाद वो सब सभी को करी हूँ, और मैं स्वामी आनंद सिद्धार्थ पहले थे, अभी वो सिद्धार्थ तौलिया ऐसा कुछ वो उसमें है गुरुग्राम, उधर क्या नाम है पंजाब में रहते हैं, पंजाब में नहीं रहते वो, मैं बताती हूँ तुम्हें, मुरथल में रहते हैं, तुम ओशो सन्यासी हो? जी 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 माँ 97 से। हाँ बिल्कुल, तुम ओशो सन्यासी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम और डुबकी लगाओ। हाँ वो करी हूँ माँ, अभी थोड़ा सा छूट गया, क्योंकि फिर ना सास ससुर की जिम्मेदारी थी, तो हम उसको छोड़ तो नहीं सकते, वो भगवान हमको उनका जिम्मेदारी दी है, तुमको तो उसको पूरा करना ही था। उसके बाद फिर कुछ कुछ पर्चोलों के पढ़ाई लिखाई ये सब हो गया, लेकिन अभी भी रेगुलर रेकी वगैरह भी करती हूँ, रेकी में भी मास्टर्स लेवल तक कर ली हूँ। अष्टवक्रम आगे का सुनो दोबारा से, जी जी माँ जी, ठीक है, हाँ कृतिका जी, थैंक यू माँ, थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मैम। मैम एक्चुअली मेरे ब्रदर हैं, छोटे हैं मुझसे, लास्ट 7 इयर्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो, बट समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ही डजंट गेट टू। और पता है उससे कई बार मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो किसी को गाइड करता है, वो क्लियर कर जाता है, इसका छूट जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम मैं बताती हूँ कि क्या है कि एक तो सुबह आदित्य हृदय स्तोत्रम जो है उसका पाठ करेंगे, सुबह उठेंगे और सन की एनर्जी लेंगे, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ऊपर से ऊपर नाभि के ऊपर उनको सन एनर्जी लगना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कोशिश करो, उनको बोलो कि जब सूर्य रेड होता है तो अपर जो टॉप है, अपर जो शर्ट है, वो कुछ समय नाभि से उठा के घास पे लेट जाए, ठीक है। नाभि हमारा सोर्स होता है, केंद्र होता है, वो सब कुछ सक करता है, तो जब वो सन एनर्जी उनके भीतर जाएगी तो वो उनके जो कॉन्शियस माइंड है उसके जो ब्लॉकेजेस है, जो यूनिवर्स में मैसेजेस क्लियरली जा नहीं रहे हैं, ठीक है, उन ब्लॉकेजेस को, जिसको हम बोलते हैं किस्मत को खोलेगा, ठीक है। सिर्फ यही करो, और कुछ किसी भी चीज की जरूरत, जिसको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ करना है, तो आदित्य विधम स्तोत्रम का पाठ करे और सन एनर्जी ले, बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। हाँ हर्षिता आ जाओ। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। जय
मैं वेट ही कर रही थी मैम कब मेरा नाम लेंगे, क्योंकि लेंगे भी नहीं मैम. मेरा एक भतीजा है वो मतलब 4 साल का है मैम, वो बोल नहीं पा रहा है और जैसे उससे बात भी करो तो वो मतलब ध्यान नहीं देता है मैम. अपना नाम भी उसको बुलाओ उसके नाम से तो मैम वो ध्यान नहीं दे पाता है. मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराए मैम तो उसमें तो सब नॉर्मल है मैम. अच्छा, कितने साल का बच्चा? मैम 4 साल का. अच्छा, क्या आप दिक्कत क्या आ रही है कि वो अपना नाम बोल नहीं पा रहा है अच्छे से? वो एक तो बात नहीं कर पा रहा है, ऊपर से उसको उसके नाम से बुलाओ तो वो सुनता ही नहीं है मैम, ध्यान ही नहीं दे पाता. बाकी सारी चीजों पे रिएक्ट कर रहा है, किसी और किसी चीज में भी ज्यादा रिएक्ट नहीं, मतलब अपने में ही रहता है मैम, वो अपने में ही खुश रहता है. अपने में खुश रहने दो उसे भाई, गुलाम नहीं बनाना हमें. वो तो ठीक है पर मैम पेरेंट्स को टेंशन होती है ना, जैसे नॉर्मल बच्चे हैं. एक बार पर्सनल काउंसलिंग ले लो तुम, ठीक है? बच्चे को मेरे से मेरे बिल्कुल सामने बिठा के, ठीक है? मैम अभी है, मैं थोड़ा दिखा दूं मैम उस पे थोड़ा. ऐसे नहीं कर पाऊंगी मैं, ठीक है? आप डॉक्टर नागेश से बात करना, ठीक है? टाइम लेना, टाइम लेके और कंसल्टेंसी ले लो, सामने बच्चे को बिठाना मेरे सामने, ठीक है? तो फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं. हाँ, जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है. अच्छा मैम, नहीं वो तो वो मैं आज सुबह से मेरे मन में चल ही रहा था जब मैंने ये मतलब देखा कि जूम पे आपका आज है वेबिनार, तो मैं बोल ही रही थी भाभी को कि मैम को तो एक बार दिखाना ही है, फिर भी वेबिनार में मैं मैम से बात करूंगी. और देखिए मेरा नंबर भी लग गया, थैंक यू मैम. ठीक है. और मैम मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी भी आप बहुत बढ़िया हो, अगर ध्यान करोगे और बढ़िया हो जाओगे. मेरे पास तो एक ही चीज है, सबको करा दूंगी. अगर मेरा बस चले तो मैं सबको ध्यान कराना शुरू करा दूंगा, और कोई क्लास ही ना लू, ध्यान की क्लास ही लू बस, सब लोग ध्यान करो बैठ के. अभी मेरी भी एनर्जी बहुत लो चल रही है. कोई बात नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, ऑल वेल. ओके, थैंक यू मैम. हाँ जी, आशिम आ जाओ. ओम नमः शिवाय मैम. आशिम, तुम्हें गुस्सा बढ़ाता है ना? यस मैम, लेकिन मैंने काफी कंट्रोल किया हुआ है. दीवारें वारे तोड़ रखी हैं तुमने घर की? सर वो सब 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 पहले का काम है, सब पहले का काम है. अभी तो मैं 1.5 साल से शांत हूँ. ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया. था पहले बहुत था. तो मैम एक्चुअली मैम भाई है मेरा 17 साल से अल्कोहलिक है, फर्स्ट टाइम कैंडल रिचुअल करने जा रही हूँ उसके लिए, तो आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए बस. बस मेरी ब्लेसिंग्स है, बिल्कुल है. इतनी तो मेरी पिछली क्लास में थी तो मुझे मैं याद है बिल्कुल. मैं रोई थी मैम, तब से मैं बहुत ज्यादा और फ्री हो गई हूँ, अब सब ठीक है. अब ओके है सब. जिसे मैं एक बार रुला देती हूँ ना वो परमानेंटली शांत हो जाता है. अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अब खुश हूँ. अब अच्छा लग रहा है ना, रिलैक्स हो ना, शांत हो ना. बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स. उस दिन मैंने तुम्हें आईना दिखाया था, ये आईना तुम्हें कोई और दिखा नहीं सकता था. कुछ तो हुआ था कि मैं बिल्कुल, मैं क्योंकि आपने कहा था नेक्स्ट दिन मुझे कॉल करना और फिर मैं वो कर रहा हूँ, तो मेरे को कॉल करने का मन ही नहीं किया. मैंने कहा मैं तो ठीक हो गई तो अब कॉल क्या करना. तो इसलिए तो वो जो लास्ट रोई उसके बाद मैं नहीं रोई. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अब नहीं रोना भी नहीं और रुलाना भी नहीं है, ठीक है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बस रुलाना भी नहीं है, ये रुलाने वाला काम भी छोड़ दो तुम. अच्छा ठीक है, ओके. बस भाई को ठीक करना है, बस घर में सब बहुत परेशान है. कोई बात नहीं, भाई भी ठीक हो जाएगा, सबके भाई ठीक हो जाते हैं टाइम के बाद. जी मैम, ओके, थैंक यू. बताओ मैंने भाइयों के लिए कितना परेशान है. और नागेश सर मुझे ही बोलते हैं कि तुम परेशान रहते हो. सर देखो कितने लोग परेशान रहते हैं अपने भाइयों के लिए. नहीं वो भाई की वजह से सर, मैम मम्मी पापा भी परेशान, घर परेशान, सब परेशान, तो फिर वो घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जाता है, तो मैं अपने आप को खुश करने के लिए उसको ठीक करना है. आंसर मिल गया. सही बात है. नहीं वो तो खैर पता तो हमें भी है, ऐसा नहीं है.
कि जो सहन शक्ति जो जो मानवता ईश्वर ने फीमेल में दे रखी है ना, वो तो मेल में आ ही नहीं सकती। तभी तो धरती को माँ बोला गया है ना। तो सारा वजूद आप ही के लोगों की वजह से है, आपकी ब्लेसिंग की वजह से ही है यस ना। यस यस सारी पावर्स सब कुछ, मेल के पास तो कुछ भी नहीं है। मेल डाइटीज देख लीजिए आप, है ना। भगवान शिव वो कहते हैं अध्यात्म में चले जाओ। ठीक चलो एक है, सरप्राइज है सर सबके लिए, मतलब आपके लिए भी सरप्राइज ही है। तो 14 तारीख को मत सारी आ रहा सारी शक्तियां फीमेल के पास ही हैं। माँ है। लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, सब कुछ तो आपके पास है। ठीक है, तभी मैं हमेशा अपने वेबिनार में, क्लास में हर हस्बैंड को ये समझाता हूँ कि भैया तुम लाए थे लक्ष्मी बनाकर, उसे लक्ष्मी बाई मत बनाओ। ठीक है, लक्ष्मी बना के लाए थे ना, लक्ष्मी की तरह रखो, देखो प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। गलती यही करते हैं ना हस्बैंड लोग कि लाते हैं लक्ष्मी की भी, घर में लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई, लेकिन थोड़े दिन में उसको बाई बना के छोड़ देते हो। तो भाई लक्ष्मी का रूप है तो लक्ष्मी बना के रखो, अपने आप प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। सर फिर वो लक्ष्मी बाई दूसरी वाली भी बन जाती है जो गर्दन काट हाँ, देती तब तभी तो बनती है, तभी घर टूटते हैं, तभी झगड़े होते हैं। आप कदर नहीं करो तो क्या होगा, या तो बाई बनेगी या लक्ष्मी बाई बनेगी, कुछ तो बनेगी ना। फिर तो ऐसा मौका क्यों देते हो भैया, पहले ही सरेंडर कर दो। आप देखिए, शिव और शक्ति दो ही रूप हैं संसार में, दो ही तरह की एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। शिव की एनर्जी, एक शक्ति की एनर्जी है। और शिव भी शास्त्रों में लिखा है कि शव के समान है, अगर शक्ति नहीं उनके पास है तो हर मेल शव है अगर आपके पास शक्ति नहीं है, और शक्ति से आप जीत नहीं सकते। तो किस लिए बहस करनी भाई, पहले सरेंडर कर दो, है ना। सुबह उठ के डेली प्रणाम करो अपनी स्पाउस को, और शाम को आते ही उसकी सुनो पहले, हे देवी तो जो दिन भर में भरी बैठी है ना, पहले 15 मिनट तो हल्की हो ले। ठीक है, उसके बाद देखिए कितनी अच्छी जिंदगी चलती है आपकी। आप समझिए ना, मतलब कितनी आपका, अगर फीमेल स्पाउस आपका घर गृहस्थी चला रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड कितना हो सकता है, आप सब सोचा है आपने कभी किसी ने। लेकिन नहीं, घर के काम तो ऐसा है कि फालतू तो एक काम है तो, है ना, मेड करती है तो वाइफ भी करे तो क्या बड़ी बात है। ये गलतफहमी नहीं, हटा दीजिए। एक घर को चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब अभी मेरे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं, कोई 70 है, 74+ है, 70+ 3-4 स्टूडेंट जुड़े हैं अभी। उनको ऐसा लगा उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, क्योंकि कमाया नहीं ना, पैसा नहीं कमाया, तो उनको लगता है हमारी जिंदगी खराब हो गई। अब वो कहाँ से फील आई, क्योंकि वो घर से फील आई, क्योंकि घर वालों ने अगर वो इज्जत दी होती, ऐसा बोला होता कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का तुम ही हो, तुम्हारी वजह से घरगस्ती चली हमारी, लेकिन हमने वो इंपॉर्टेंस दी नहीं। अब उनको इस सेम उम्र में ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी खराब हो गई, हम इतने टैलेंटेड थे हम कुछ कर नहीं पाए, और वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है। और कहते नहीं, हमें कुछ करके दिखाना है। तो मैं कहा ठीक है, अभी भी कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन ऐसा फील मत करो कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। आपने गृहस्थी चलाई, आपने वंश चलाया, आपने बच्चों को पाला, बड़ा किया, पूरी फैमिली देखी। और ये गलत फहमी है मेल की, एक घर को घर एक भी बना सकते हैं। आपके जो रिलेशन चल रहे हैं ना, आपकी वाहवा होती है, हर मेल को बोल रहा हूँ ये बात, आपकी होती है ना, आपकी पूछ हो रही है, आपकी समाज में इज्जत है, आपकी सोसाइटी में इज्जत है, आपकी रिश्तेदारों में बड़ी इज्जत है, ये सिर्फ एक फीमेल की वजह से है। वो जिस दिन चाहे ना आपको समाज सोसाइटी क्या जिंदगी में मुंह दिखाने लायक ना छोड़े आप। ठीक है, तो उनकी इज्जत करो भाई, सिंपल सा लॉजिक ये है। वो शुक्र है आपका। हम कहते हैं भाई प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर एक इंसान कलयुग में किसके पीछे भाग रहा है सोचो, कभी शुक्र के पीछे भाग रहा है। आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारे सुख चाहिए आपको। वो हर चीज 99% शुक्र आपको दे सकता है। और हम किस शुक्र की बात करते हैं, वो करोड़ों मील दूर है। अरे भैया, घर में 10 कदम पे आपका शुक्र बैठा हुआ है, उसको पहले खुश कर लो, उसको खुश कर लिया तो वो अपने आप खुश हो जाएगा। करके तो देखो एक बार, करके देखने में क्या जा रहा है। और अच्छा अपनी सर, तो है शुक्र यार, मैं तो कहता हूँ अपनी का तो कर रहे हो। के पास अच्छा, सर एक पावर भी है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मृत संजीवनी। इवन तक कि ये एक शास्त्र में लिखा है कि जुपिटर महाराज के पुत्र हुए हैं बुध, जबकि जुपिटर अपने आप में गुरु हैं। सोचिए, तो
वो खुद गुरु हैं, सोचिए। उन्होंने अपने पुत्र बुद्ध को मृत संजीवनी की विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा। इस कलयुग में शुक्र की एनर्जी इज द प्रोमिनेंट एनर्जी, ठीक है, चॉइस आपकी करना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो सर। जय श्री कृष्णा सर, राधे राधे माँ। राधे राधे। एक चीज, एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ मैं सर, आपको भी शॉक लगेगा। अच्छा मैं, मेरे दिमाग में सुबह से चल रहा था, तो मदर्स डे पे कुछ लेके आएंगे हम स्पेशली फॉर फीमेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके ठीक है, तो मेरा मन कमी संडे है शायद, मदर्स डे ना शायद 14 तारीख को है। ओके ठीक है, तो आगे पीछे एक दिन हो सकता है, लेकिन ब्लेसिंग कोर्स होता है एक हमारा, कि किसी को ब्लेसिंग किस तरह से देनी है, उसकी क्या विधि होनी चाहिए, तो वो मुझे मेरे गुरु से मिला था, तो वो मैं आप सब लोगों में बांटना चाहूंगी। हम ब्लेसिंग कोर्स बहुत लोग कराते हैं, ये 2 दिन का कोर्स होगा और आगे पीछे भी कर सकते हैं हम, अगर हमारे मैजिक ऑयल में अगर ये ना बीच में आया तो। हाँ वो देखेंगे, क्योंकि कुछ शेड्यूल ऑलरेडी बने रखे हैं, वो देखेंगे, प्लान कर लेंगे कोई बात, क्योंकि मुझे भी नहीं बताया मैम ने अभी। मैं इसलिए, लेकिन ये सभी फीमेल्स के लिए, सभी मदर्स के लिए स्पेशली, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन का ये मैं कोर्स करवाऊंगी, सबको करवाना चाहूंगी सर, तो प्लीज आप ग्रांट कर देना। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं है। तो इसमें सिर्फ बताया जाएगा कि आपको, आपके जो रिश्ते हैं घर में बाहर, आप उन लोगों को किस तरह से आप ब्लेसिंग देके, है ना, उनको हील कर सकते हो, उनको गुड लक दे सकते हो, और अपने शिष्यों को, अपने जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं जो पीड़ित हैं, उनको किस तरह से, ये कुछ रेकी से भी हटके होगा, सब चीजों से हटके होगा, इट विल बी टोटली स्पिरिचुअल, ठीक है। तो अगर कोई भी मेल करना चाहेगा तो उनके लिए फीस होगी, फीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है सर। ठीक है, मतलब ऐसा मत करो ना, डिस्क्रिमिनेशन मत फैलाओ, बेचारा कोई फीमेल गृहस्थी चलाने वाला अगर फीमेल है और मेल है कोई, तो उसको तो अलाउ कर देना भी। सर आप अलाउड हो, टेंशन मत। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, मोनिका जी का था ना शायद। हाँ सॉरी, हेलो हेलो मैम, बोलो मोनिका। माँ वैसे तो आपसे मिलके मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मैं फील करती नहीं हूँ चीजों को, बट पहले तो मेरी जॉब की इतनी दिक्कत थी, मुझे जॉब से हटा दिया था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी मेरी, लेकिन अब दिसंबर से वापस तो सुप्रीम कोर्ट से केस लड़के वापस आए, लेकिन मिस पहले मेरी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा था मेरा इंचार्ज, फिर मेरी सैलरी नहीं बनी है उसके बाद अब तक, तो मतलब इतना, मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया अब तो घर चलाना, और वही वो एस्ट्रो टॉक का तो वही है, वो मुझे बार बार मेरी लाइफ भी बंद कर देती है, पता नहीं क्या दिक्कत है, कि कैमरा एंगल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो काफी मतलब उस चीज का बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा हो गया इस मंथ से तो मुझको, और भी ज्यादा कि मैं किसी से पैसे मांग नहीं सकती हूँ, तो कैसे मेरी सैलरी आएगी, पता नहीं क्या होगा, और कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ मैं, इसीलिए मेरा सेकंड लेवल रेखी भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने पहली वाली कैंडल मैजिक की फीस भी मांग के किसी से दी थी, तो मेरे पास थी ही नहीं, ठीक है, तो मेरी सैलरी आ जाए। कल मुझे कॉल करना एक बार, ठीक है, 12:30 बजे मैसेज करके, ऑडियो मैसेज करके कॉल करना। हाँ ठीक है, चलो। हाँ जी मैम, थैंक यू। आप तो मेरे ख्याल से यूएस से है ना, आपकी बेटी डॉक्टर? यस मैम, यस मैम। मुझे ये पूछना था, मेरे ना ब्रदर है, उनके बेटा है जो वो शादी कर रहा है, लव मैरिज है, तो वो तैयार तो थे, पर पता नहीं कुछ ऐसी वजह से बहू ने कुछ बोला ऊंचा नीचा या क्या हुआ, अब वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो गया है कि शादी पे जाऊंगा ही नहीं, ना मैं शादी करूंगा उसकी बेटे की, ना मैं बहू को एक्सेप्ट करूंगा, और बस मतलब हमको भी सबको फोन करके बोल दिया कोई शादी नहीं है, नहीं तो अक्टूबर में नवंबर में शादी थी, कुछ नहीं होता, टेम्परेरी हो जाएगा, ठीक, टेम्परेरी हो जाएगा, ठीक, हाँ कुछ नहीं है,
वो मतलब ईगो बना लिया है उसने ब्रदर ने। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक अच्छी वाइब्रेशंस भेजो उनकी तरफ और हो जाएगा, वो आएंगे जरूर, सब कुछ करेंगे, ठीक है मेरे को ऐसे ये ही। लगता है वो मतलब मेरा जो नेफ्यू है वो काफी अपसेट चल रहा है। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छी वाइब्रेशंस भेजो, ठीक है हो जाएगा, ज्यादा होगा तो मुझसे कंसल्टेंसी ले लेना एक बार, ठीक है, एक दो चलो चीजें ठीक है ठीक पर्सनली उनको मिलके मैं बता दूंगी, ठीक है। हाँ है ओके थैंक जी यू। आशा आ जाओ। मैम हर हर महादेव, हर महादेव, प्रणाम मैम, सर हाँ आपको भी दोबारा से हर हर महादेव। जी मैम पहले तो मैं खुश हो लूँ, मतलब मेरे को स्माइल तब से आई जा रही है, आई जा रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा मैम मैं ये कह रही थी कि वैसे तो सब ठीक है, मतलब मुझे ठीक ही फील करता है, पर लाइफ में सबके अप एंड डाउन्स तो आते ही हैं, ठीक है। मुझे ना मैम 2013 से या 12 13 13 से लाइक वेजाइनल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। उसका मैंने गायनी से ट्रीटमेंट कराया, मेरा ऑपरेशन भी किया उन लोगों ने, और HSPV पॉजिटिव बताया था, देन उन्होंने मेरा कुछ ठंडी सिकाई होती है वो भी किया, देन उन्होंने मेरा बायोप्सी भी किया, बायोप्सी नॉर्मल आया, कैंसर वैंसर कुछ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने हार गया, मतलब मैंने 3 4 गायनियां चेंज कर दिया, डॉक्टर बत्रा दिल्ली दिखा लिया, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद दिखा लिया, मैं फरीदाबाद में से रहती हूँ, तो मैंने सब कुछ करा लिया, कई सारे डॉक्टर गायनी चेंज कर लिया, तो मेरा इन्फेक्शन कभी गया ही नहीं, मतलब कभी गया कभी नहीं गया, कभी गया कभी नहीं गया, और ये फंगल ही था। उसके बाद मेरे को सर्वोदय की मैम ने ट्रांसफर कर दिया स्किन वाली के लिए, क्योंकि मैंने 8 साल इलाज गायनी से लेती रही, मुझे पता ही नहीं था। स्किन वाली मैम से, श्रुति मैम से मेरे को फायदा हुआ, बट 3 महीने में फिर हो गया, 2 साल तक नहीं हुआ, अब मैं फिर उसी चीज से जूझ रही हूँ। मैं पिछले 5 महीने से इसी की फंगल इन्फेक्शन की दवाई मैं खा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतनी स्वेटिंग का इशू रहता है मैम, बालों में से पसीने, गर्दन से पसीने, पूरी बॉडी पर स्वेटिंग होती है, तो मेरे को समझ नहीं पा रही, मैं बहुत मेडिसिन खा चुकी हूँ, बहुत बहुत, मैं इसके लिए क्या सबसे करूँ पहले तो रेकी का कोर्स किया तुमने मेरा? मैम? मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सर से टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कर रही हूँ, 10 दिन हुए हैं अभी कुछ नहीं हुआ, आपकी बस रेकी लेवल 1 का मैंने रिकॉर्डिंग लिखा है मैम। ठीक है, तो किसी भी अच्छे हीलर को, रेकी हीलर को मिलो और उनसे अपनी हीलिंग करवाओ, ठीक है, रेगुलर हीलिंग कराओ। दूसरी चीज के क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक इलाज करवाओ, तुम्हें वही सूट को 100%, ठीक है। एलोपैथिक मेडिसिन खानी बिल्कुल बंद कर दो। तीसरा चीज, मेरा हीलिंग ऑयल है वो मंगवा लो, ठीक है, और हीलिंग ऑयल को यूज करो, मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से यूज करना है, ठीक है, ठीक है मैम, चीजें करो बस। अगर तुम्हें हमारे एस्ट्रो गैलेक्सी के किसी स्टूडेंट से हीलिंग करानी है तो मैं तुम्हें कल डॉक्टर नागेश से बात करके करवा दूंगी, बात कर लूंगी। अगर तुम्हें डायरेक्टली मुझसे करवानी है तो वो आप डॉक्टर नागेश से बात कर लेना, ठीक है। और अगर कोई अच्छा हीलर है, ठीक है, रेगुलर कम से कम 3 महीने हीलिंग करवाओ अपनी रेकी, ठीक है। ठीक है साइकिक सर्जरी होती है एक, वो करवाओ, उसके बाद तुम्हें 100% रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। ठीक मैम। कौन सी सर्जरी बताई मैम आपने? साइकिक साइकिक सर्जरी होती है, रेकी में होता है साइकिक सर्जरी। सर्जरी, ओके ओके ठीक चल है मैम। मैम एक और है मैम, एक चीज और पूछनी थी बस मेरी बेटी के बारे में। पूछू मुझे मैम? सबके एक एक प्रश्न ही लेने हैं, बहुत चलिए ठीक लोगों है के। मैम, ठीक है ओके। आगे समीक्षा, राधे राधे मैम, कैसे राधे राधे समीक्षा, हो आप? मैं बहुत आनंद में, बहुत बढ़िया। मैम एक मतलब ये हीलिंग ऑयल रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसमें आप जो 7 चक्रा के लिए इंडिविजुअल ऑयल्स आते हैं वो भी बनाना सिखाने वाले हो? 7 चक्रा के हम प्लान कर सकते हैं, तो बहुत सारे क्यू में हैं, बहुत सारे, देखो कुछ एडवांस लेवल के हैं, कुछ लेवल 1 के हैं, तो हमारे पास समय के हिसाब से हम देखेंगे। 7 चक्रा ऑयल्स वैसे तो मतलब सिमिलर ही होता है हीलिंग ऑयल के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें हम कलर्स डालते हैं, जैसे वो कलर थेरेपी मिलता है, नेचर की असेंस की कलर्स डालते हैं, जैसे मूलधारा चक्र के लिए नॉर्मली हम रोज पेटल्स को यूज करते हैं,
तो फिर वो हीलिंग ऑयल रोज मतलब आप मूलधारा चक्र पे यूज कर सकते हैं। तो उस तरह के कलर्स डाल के हम उनको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी, वो भी हम कवर कर लेंगे अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। बाकी समय पे डिपेंड करता है कि मैं कोर्स में क्या बनाऊंगी इस पर। हर बार मेरा कोर्स डिफरेंट ही होता है, सेम कभी भी नहीं करवाती मैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए, शालू बोलिए। थैंक यू सो मच मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैम मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने बोला कि सर से कांटेक्ट कीजिए मेरी सिस्टर के सेशन के लिए ना, बट वो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। एक्चुअली ना उसका मेजर इशू क्या हो रहा है, उसका नेम है मोनिका सिंह तनवर ना, उसका इशू मेजरली ये हो रहा है कि काफी टाइम हो गई वो रेगुलरली बीमार ही रह रही है। मतलब पर टेस्ट कराती है तो सब कुछ ठीक आते हैं, पर और ना पर उसका जिस घर में मैरिज हुई है ना वहां पे बहुत नेगेटिव ऑरा भी है, बहुत ही आप एक ज्यादा। काम करना, कल मेरा इवनिंग स्लॉट खाली है, ठीक है, और इवनिंग स्लॉट में 5:30 बजे के आसपास डॉक्टर नागेश से बात करके ये स्लॉट नंबर लेके आप उनकी कंसल्टेंसी 5:30 बजे उनको बोल दो, मुझे कॉल कर लेंगे, ठीक है। सर अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप एक बार शालू से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इनकी कंसल्टेंसी बुक करनी है कल की, ठीक है। चलिए, हाँ जी, पूजा आ जाइए। ठीक है, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। पूजा, मैम ये आपने भी एक बताया किसी को डेली बे लीफ जो है वो बर्न करनी है, तो बे लीफ के ऊपर विश भी लिखनी है, मतलब वो जो बिल्कुल हो बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल लिखूंगी, बिल्कुल लिखूंगी, बिल्कुल लिखूंगी। ठीक है। और एक मैम, हमारे हस्बैंड का कोई भी काम नहीं बनता, मतलब जैसे बना था एक टाइम पे तो अच्छा खासा आ गया, बट अब वो ट्राई करते रहते हैं, कुछ नहीं होता, एक भी पैसे की इनकम नहीं हो रही। ठीक है, रोड ओपनर यूज करो, रोड ओपनर ऑयल मंगवा लो, या मेरा ये ऑयल वाला जो क्लास होगा, सब लोगों को बोल रही हूँ कि सब लोग ये क्लास जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपकी बेसिक बेसिक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर हीलर के पास भागने की जरूरत नहीं है, आप घर पे उनका हल कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप सब लोग ये कोर्स जरूर करो, ठीक है। कोई मैम बता ज्यादा दीजिए, रोड ओपनर ऑयल मंगवा के क्या करना है? आप ट्राई कलर की जो कैंडल आती है ना, कैट कैंडल, ठीक है, ओके, उसके किस ऊपर लगा के उसको बर्न करना ट्यूजडेज और सैटरडेज को, दिन ठीक मैम? ओके ठीक है। है। हाँ जी और ये बलविंदर, कोर्स कब स्टार्ट हो? कोर्स सर बताएंगे आपको, बताएगा और सब उसमें सर के ग्रुप में सर को मैसेज कर लेना, ठीक है। और सर को मैसेज, जितने भी लोग यहाँ पे जितने नए हैं बिल्कुल, ठीक है, जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है, तो डॉक्टर नागेश का कॉन्टैक्ट नंबर बैनर के ऊपर लिखा हुआ था आज के बैनर के ऊपर, उनको मैसेज करेंगे ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक है। और मतलब सर आपको डिटेल बता देंगे क्लास को। ठीक है मैम, आपको हमारी एनर्जी में कुछ मतलब कुछ है, ऐसा लगता है, कुछ फील होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, सबको ठीक है। ओ ओके मैम, थैंक यू। राधे हाँ जी बलविंदर जी, कैसे आप? राधे राधे। जब से आपने कहा तब से मैं वो रेखी का तो ध्यान तो कर रही हूँ, तो पहले कुछ लगता था, बीच में कभी कभी टूट जाता है, पता नहीं क्यों। एक तो मैं वो करती हूँ, और थर्ड आईज का एक वो है, और एक वो जो आपने औरा उसका बोला है वो करती हूँ मैम, तो मैं क्या करूँ, कभी कभी टूट जाता है। दूसरी आप बात, डेली, सुनो बलविंदर जी, आप डेली सुबह ना सबसे पहले तो उठ के 4 चार्ज वाटर पिया करो डेली, ठीक है। फिर आपके ब्लॉकेजेस भी आएंगे, उसको आप 4 चार्ज वाटर पीते हुए ये परमिशन करेंगी कि मैं जो भी आज करना चाहती हूँ उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं, ठीक है। रेकी वाटर 4 चार्ज वाटर, बस वही कमी रह रही है। से ना मेरे को मतलब एकदम से, मेरे कभी बीपी हाई नहीं हुआ, बीपी हाई भी हो गया पता नहीं मुझे क्या हुआ, और उसके साथ मेरे को मतलब पेन वेन भी होने लग गया, मतलब घुटने वगैरह रेकी में, वाटर, रेकी वाटर, तो वही चार्ज करके मैम। ठीक है। ओके, बाकी तो वो मैं ले, अभी तक तो मैंने छोड़ा नहीं, अगर रहता है तो मैम, सपोज मॉर्निंग में नहीं हो पाता तो मैं मतलब कभी भी सोचती हूँ तो ध्यान कर लेती हूँ, मतलब दोनों तो करती ही करती हूँ, रेकी बाकी वाटर, जितने लोग यहाँ बीमार रहते हैं सुबह रेकी वाटर बनाएं, मेरी वीडियो बढ़िया यूट्यूब पे, रेकी वाटर जी बनाएं सुबह, चार्ज करें हीलिंग वाटर बना के, हीलिंग करके उसको पिए, कोई बीमारी नहीं, ठीक है।
सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू मैम। हाँ जी रुपिंदर आ जाओ, कैसी हो? हेलो, नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। मैं आपको कैसी? मैसेज लिख रही थी, प्लीज मेरा क्वेश्चन मत छोड़ दो, मैं ही रह गई मैम। मेरे ना एक्चुअली क्या है, अभी अचानक से जैसे बच्चे तीनों ही अलग अलग जगह, बेटी एक मेरी ना कनाडा में पढ़ने गई हुई है, वो भी वहां बीमार हो गई साइमल्टेनियसली, सेकंड वाली बेटी को भी बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके, और छोटे बेटा जो 21 साल का है उसको अभी रिसेंटली शुगर डिटेक्ट हुई है 2-3 महीने पहले, और उसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी शुगर थी, तो इसी अच्छा, वजह से उनके वो एक्सपायर हुए थे, मतलब हमारी उनकी जन। क्या होता है कि जब हमारे घर में एक इंसान, सब लोग सुनिए ध्यान से सुनो इस चीज को जो मैं बोल रही हूँ, कैमरा ऑन कर लो, सब लोग इस चीज को ध्यान से सुनो। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जब कोई एक इंसान बीमार होता है, स्पेशली अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे सबकी एनर्जी कनेक्टेड है, स्पेशली फीमेल मदर, अगर थोड़ी सी वो बीमार होती है, उसको जितना कोई केयर करने वाला होता है ना, उसके साथ उसकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। जितना बीमार को पूछोगे ना, तेरी बीमारी कैसी है, तेरी बीमारी में क्या हो रहा है, मैम मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उतना आप उससे उसकी बीमारी को शेयर करते हो और वो एनर्जी कहीं ना कहीं चेंज होके आपको कोई ना कोई बीमारी दे जाती है, चाहे कुछ भी हो। जैसे एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है कि एक बीमार हुआ, दूसरा बीमार हुआ, तीसरा बीमार हुआ, सब बीमार हुए। तो हमें ये कभी भी बीमारी में ऐसा नहीं करना। अगर कभी बीमारी होती है तो कभी भी डिटेल में बीमारी मत पूछो कि क्या दिक्कत है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। नॉट टू यूज सच वर्ड्स, हमेशा यूज दीज वर्ड्स, ये तो खत्म हो जाएगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। बेटे मुझे यही है कि शुगर वो इंसुलिन पे ना, उसको जैसे डॉक्टर अभी बोल रहे हैं कि रुपिंदर, वो आप आगे हट बहुत जाए, ज्यादा सोच रहे हो आगे की, बहुत मैं ज्यादा बहुत देर में एंग्जायटी। सारा सोचती नहीं हूँ। नहीं, ये आप ही की वजह से हो रहा है, फिर ये आपके कॉर्ड से निकल रही हैं चीजें, बच्चों के कॉर्ड में जा रही हैं। और फिर मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे हमारा जिस मकान में रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरी सिस्टर लॉ ने वो अपने नाम नहीं, करा लिया था, मुझे लग रहा है छोड़ दूं ये मकान, छोड़ दूं, बस यही फीलिंग बार बार आती है, मैं छोड़ दूं उसी इसको। नहीं है, आपके घर में जो मैट्रेसेस हैं, जो बेड हैं, जो आप जहाँ पे आपके हस्बैंड सोते थे, ठीक है, स्पेशली बेड है ना, उसको चेंज कर दो, ठीक है, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। घर में हवन करा लो बंगला मुखी का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अच्छा, हवन करा लो, पूजा करवा लो, और किसी चीज की अगर जरूरत। अगर हम और कोई पूजा, मतलब मैं हम लोग जैसे हवन, मुझे मैंने कभी करवाया नहीं है, हम सरदार हैं, मुझे पता नहीं वो कैसे करवाते हैं, कुछ और कर सकती हूँ मैं इसके अलावा? नहीं, हवन ही कराओ, मंगला मुखी ये मंदिर में जाके पंडित जी से बोलो। नहीं घर में बोलो कि हवन करने के लिए घर आ जाओ, घर के बंदे बैठो, ठीक है, अगर कोई नहीं भी है तो उनको बोलो ऑनलाइन बैठ जाओ, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करो कि देखो अब बंगला मुखी का हवन हो रहा है, सब चीजें ठीक हो रही हैं, ठीक है, घर से बीमारी, नेगेटिविटी, ईवल आए, सब बाहर जा रहा है। ये सबके लिए, अगर किसी के घर में भी बहुत बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत गड़बड़ हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है, वहां पे माँ बंगला मुखी का हवन जरूर कराओ, ठीक है। चलो ठीक है मैम। और ये आपने जैसे कैंडल आपने एक बार बोला था नॉब कैंडल जलाने की, ये सारी फैमिली के लिए तीनों के लिए एक ही कैंडल जलाऊं या तीनों अलग अलग कैंडल जलाऊं? नॉब्स के ऊपर अलग अलग नाम लिख के बर्न कर दो। हाँ एक ही नॉब जैसे कैंडल के तीनों के नाम लिखूं ये सारी फैमिली के, मतलब तीन बच्चों का? सात नॉब होते हैं, सातों के ऊपर अलग अलग नाम लिख के उसको बर्न कर दो, ठीक है। ठीक है, थैंक उर्वशी, यू। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री जय कृष्णा श्री कृष्णा उर्वशी। सर। मैम मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है। वो ऑस्ट्रेलिया में है बट ही इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू जॉब। बहुत कोशिश कर रहा है बट उसको जॉब में ना मतलब जहाँ पे पार्ट टाइम करता है वहां भी इतना मेहनत के बाद कुछ नहीं मिलता है, एंड ही इज ट्राइंग फॉर जॉब वो भी नहीं मिल रही है। ट्राई कलर का कैट कैंडल लेके उसके ऊपर रोड ओपनर ऑयल लगा के बेटे का नाम लिख के कैंडल के ऊपर, और उसको बर्न करो एवरी सैटरडेज और ट्यूजडे को, सब ठीक हो जाएगा। मैम कौन सा ऑयल लगा के? उसपे रोड ओपनर ऑयल आता है। मैम एक प्रॉब्लम और भी है, ही इज इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम इन नाइजीरिया, तो हाँ क्या कुछ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मदर यहाँ मतलब पे अवेलेबल नहीं होगी? ऑनलाइन मंगवा लो, ओके ओके नाइजीरिया से ही आया है हुडू, और ये हुडू का ही है। आई चेक। राइट, थैंक यू सो मच मैम। चलिए ठीक है, तो आई थिंक आज के क्वेश्चंस हमारे सारे हो गए हैं। अक्षय, अक्षय आ जाओ, कहाँ हो? मैम मेरा नाम नेहा है।
राधे राधे मैम, सब लोग अपने नाम से लॉग इन किया। मुझे अगर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है इस बात पे आता है, एक तो ग्रुप क्लास में, और दूसरा तो अपनी गलत नाम अपने सही एग्जैक्ट नाम लिखो तब भी आप नाम लिखो कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाती। जी मैम, ठीक है, चलिए बोलिए। हाँ जी मैम, मुझे ना ये जानना है मैम, मेरा ना एक कोर्ट केस चल रहा है मैम, तो 19 मई को मैम डेट है, तो मैम मुझे करना चाहिए? मैं आपको देख नहीं पा रही, कहाँ पे मैम? मेरा कैमरा ऑन है मैम। ओके, अभी देख पा रहे हो मैम? अब देख पा रहे? अच्छा, राधे राधे। हाँ जी बोलिए। मेरा कोर्ट केस है 19 को, तो मैम मैं क्या कर सकती हूँ मैम, उसके लिए कौन सी कैंडल यूज कर सकते हैं? कुछ नहीं, 4 इलायची लेके जाना, ठीक है, और जब अंदर एंटर करोगी चारों डायरेक्शन में, ठीक है, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों डायरेक्शन से इलायची, ठीक है, इलायची क्या करना है मैम? चारों डायरेक्शन में 4 इलायची फेंकनी है। ओके मैम, एक्चुअली ना वो कोर्ट रूम में ऐसा कुछ कर नहीं सकते मैम, वो लोग बहुत नजर भी रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, कोर्ट रूम में जाने से पहले कर सकते हो मैडम, मतलब कोर्ट रूम के बाहर? सर हाँ, बाहर भी कर सकते, कोर्ट रूम मतलब कोर्ट के प्रोमिसेस में करना है आपने। ओके ओके, रूम अंदर रूम में तो कर ही नहीं सकते जी। ओके, जो भी बेली, जो भी बेली जाओगे, ठीक है, जो भी बेली या जूते पहन के जाओगे, दोनों में बे लीफ तेज पत्ता, एक पत्ता इधर एक पत्ता उधर डाल के, राइट पैर और राइट श्वास जब चले घर से बाहर निकलना, ठीक है। मैंने म्यूट कर दिया आपको, आपकी आवाज बहुत कट रही, बोलो। हाँ जी मैम, दोनों जूतों में आप बोल रहे हो कि एक एक बे लीफ रखनी है? पहले राइट जूता पहनना है, लेफ्ट पहनना। ओके मैम, और 4 इलायची जैसे ही कोर्ट में एंटर होते हैं हर हर डायरेक्शन में डालना, ठीक है। और आती है एक हमारी एक कैंडल होती है, हॉक कैंडल होती है, लेकिन वो आप यूज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको स्पेल करवाना पड़ेगा, आप खुद नहीं कर पाओगे, उसका स्पेल जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट स्पेल है, वो हर कोई नहीं कर पाता है, तो अगर आपको ये स्पेल करवाना हुआ तो डॉक्टर नागे से बात कर लेना, ठीक है, तो हम जब करते हैं तो उसको कर देंगे, जब भी आपका कोर्ट केस का, उसके संडे संडे वाले दिन ही होगा ये, ठीक है, 19th है तो 19 से पहले जो संडे आएगा उसी दिन ही होगा, ठीक है। चलिए, यस, नेक्स्ट और कौन है? मीना, मीना आ जाओ। मैम एक क्वेश्चन पूछना था सिर्फ। अभी नहीं कोई क्वेश्चन, मैं सिर्फ जो पूछ चुकी हूँ उसी बारे में कि जो हम, मैं दिमाग से भी निकल गया मैम, हम अपनी मदर के लिए बेलीफ तो बर्न कर सकते हैं, कि हम अपने घर में मतलब रहते हैं, मतलब अब मैं अपनी मदर के लिए कर सकती हूँ, जैसे वो बीमार रहती हैं तो। देखो सबसे पहले तो एक चीज बार बार बोल रही हो, अगर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है तो आप किसी के लिए कोई स्पेल नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर आप रेगुलर ध्यान कर रहे हो, हीलिंग में हो, तब ये सब चीजें करो, तब आप देख लो पूजा की, अगर आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप अपनी एनर्जी खुद फील करो, ठीक है। एक कच्चे जो हीरो बनते हैं ना, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बार बार ये बात हर क्लास में बोलती हूँ, और शिकायतें भी मेरी इतनी आती हैं सर के पास कि माँ मैडम ने हमें क्लास में नहीं आने दिया, 21 दिन बोल दिया, और इस बार भी रेकी के कोर्स में जिन्होंने लेवल 1 नहीं किया वो भी आ गए थे, जबकि मैं अलाउ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आ गए थे, और फिर दिक्कतें पता है, अब देखो आज कई लोग उनमें से ऐसे लोग थे जिन्होंने लेवल 1 का मेडिटेशन नहीं किया, लेवल 2 करके बैठ गए, सर आप खुद देख लो। नहीं, उन्होंने लेकिन प्रॉमिस किया था कि वो करेंगे, सर नहीं किया, गगन क्लास में थी, गगन ने कहा किया है, खुद अपने मुंह से बोली है कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया, उसने लेवल 2 भी कर लिया, मैं तो सर्टिफिकेट, सर आप सर्टिफिकेट प्लीज रिलीज मत करना, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, अभी सर्टिफिकेट बिल्कुल रिलीज नहीं करना चाहिए, एंजल का दे दिया है लेकिन मैं तो एंजल का भी नहीं देना चाहती थी, अभी कोई नहीं, अभी दिया नहीं किसी को, ऐसे नहीं सर्टिफिकेट रिलीज करना, ध्यान में उतरो,
ध्यान करोगे किसी और के लिए, किसी और के लिए स्पेल्स करोगे, बीमार पड़ जाओगे। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो हम खुद बुलाते हैं, भी आ जाओ उनको छोड़ के हमारे घर में आ जाओ। ऐसे नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। अगर आपको सबके लिए सब कुछ करना है ना, तो पहले 40 दिन अपने ऊपर खरे उतरो, अपने आप के साथ, ठीक है? 40 दिन सेल्फिश बन जाओ, दरवाजा कर लो बंद, 1 घंटा खोलने की जरूरत नहीं है। भाड़ में गया काम, भाड़ में गई दुनियादारी। मैंने 6 महीने ऐसे किया था, 6 महीने किसी का फोन नहीं उठाया था, और उसमें सर नागे सर भी थे। 6 महीने अपने आप को पूरा आइसोलेट, नो सोशल मीडिया, नो फोन, नथिंग। अपने ऊपर इतना समय दो, 6 महीने के 24 घंटे, आप 1 घंटा नहीं दे सकते कौन सा अपने आप। पेन बताया था जी इनने? कौन सा पेन था ये? चलो आ गई मीना जी। ठीक चलिए सर, अभी हम क्वेश्चंस आज के खत्म करते हैं, ठीक है? मैं है। सेशन अपने किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगी। अनु आ जाओ, आप आपका क्वेश्चन लेती हूँ। अनु एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। राधे मैम ये पूछना चाह रही थी। मैम आप ना ये हटा दीजिए, जो आपने ईयरफोन लगाया ना ये हटा दीजिए। मैम ये पूछना चाह रही थी कि मैं काफी देर से आपके क्वेश्चन आंसर सुन रही हूँ, तो मैम प्लीज आप मुझे देख के बता देंगे कि मेरे ओरा में कुछ ध्यान नेगेटिविटी है करो या क्लीन। अनु, ध्यान किया करो, बस यही बोलूंगी। सिर्फ ध्यान किया, मेडिटेशन करो, किसी भी मेडिटेशन सेंटर में ज्वाइन कर लो, चाहे योगा ज्वाइन कर लो, ठीक है? लोगों के लिए ओके जो मैम, थैंक यू मैम। गुस्सा भरा पड़ा है ना, उसको बाहर निकाल के फेंको। तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है लोगों के लिए, उसको निकाल के बाहर। नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है? चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब लोग मैजिक ऑयल और हीलिंग ऑयल की क्लास में जरूर मिलेंगे, ठीक है? तो मैं तो हमेशा संकल्प से ही शुरू करती हूँ कि जो भी सबसे बेस्ट है, सबसे जो ट्रुथफुल है, जो सही है, वो आपको उन 3 4 दिन में दूंगी, ठीक है? अब ये आप पे डिपेंड करता है, और अस्तित्व पे भी डिपेंड करता है कि आपको नेचर अलाउ करती है कि नहीं करती है, कि आप तुम्हारा कोच करो, ठीक है? तो आई थिंक मेरे ख्याल से सर ने बहुत ज्यादा इसका प्राइस नहीं रखा होगा। अभी तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे आज मैम का फोन आया ऐसे ही कि ये करना है, ठीक है, कि इनके ना इंटेंशन आती है कि क्या करना है, तो हम वही कराते हैं, क्योंकि जो नेचर कह रहा है वो कराएंगे, ठीक है। मैं अभी कोर्स तो के कोई बारे बैनर भी नहीं बना, बैनर भी एनवायरमेंट पर बनवाया इनका। कोर्स के बारे में नहीं बोला बोला था सर, मुझे ये था कि आज मुझे सबसे मिलना है, तो मिलना है, हमने बिल्कुल बिल्कुल। अब मिलने का ऑयल्स भी का बहाना बात। भी तो चाहिए था ना, तो मैंने कहा बच्चों की डिमांड आ रही है मैजिकल ऑयल और हीलिंग ऑयल के लिए, तो मैंने कहा चलो उस पे वेबिनार कर लेते हैं। पता है, और पता ही क्या है, सब लोग इतने पीड़ित है ना कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो जबरदस्ती प्रॉब्लम निकाल के ले आते हैं कि मैम से एक बार पूछ ले, उसको पकड़ो, तो रिश्तेदारों को पकड़ लो। भाई ऐसे नहीं करना है, कभी ऐसे भी बोलो आके कि बस ऐसे ही मैम बात करने का मन कर रहा था, अच्छा लग रहा था, मजा आएगा फिर। सही बात। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं सभी जल्दी। मैम का अभी डिजाइन करता हूँ मैं, तो पता भी नहीं अभी कब डिजाइन करना है, सारा शेड्यूल देखना पड़ेगा, क्योंकि मैम ने ऑन द स्पॉट बोला है कि आज इंट्रैक्शन करना है। अब इंट्रैक्शन करना, तो मैंने कहा एक बच्चों की डिमांड आ रही थी हीलिंग ऑयल के लिए, मैंने कहा उसके वेबिनार भी कर लेते हैं, इंट्रैक्शन भी हो जाएगा, तो कल तक आपको अपडेट्स मिल जाएगी कि मैम का कोर्स कब आ रहा है, क्या उसके प्राइस देंगे। प्राइस तो मैम के हमेशा लो ही रहते हैं, मतलब हम ज्यादा प्राइस लेकर नहीं आते। रिक्वेस्ट करूंगी सर, प्राइस ज्यादा हाई भी मत रखना, नहीं नहीं क्योंकि हम रखते नहीं कभी, मतलब हमारे इवन तक कि आपके नहीं, आपने तो स्पेशल बोल रखा है कि मेरे कभी हाई वैल्यू के कोर्स नहीं रखना, इवन तक कि अगर हमारे कोर्सेज का कंटेंट और कोर्स की वैल्यू अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से भी कंपेयर करेंगे ना, तो आप हमेशा पाएंगे कि हमारे कोर्स हमेशा लो कॉस्ट वाले, अगर कंटेंट रिच कंटेंट वाइज अगर देखेंगे, हमारे हमेशा लो कोर्स पर जाते हैं। और वो इसलिए भी है कि हमने जो कोर्स हम करा रहे हैं ना, एटलीस्ट जो मैं करा रहा हूँ आपको, मैंने सारे सब्जेक्ट ऑफलाइन पढ़ा रखे हैं, यकीन मानिएगा
जब वो कोर्स मैं ऑफलाइन कराया करता था, जस्ट डबल रेट में हुआ करते थे तो किस टाइम पे रेकी टैरो में कराता हूँ, वो 21,000 का कोर्स था मेरा, दो पार्ट्स में कराता था मैं, बेसिक और एडवांस। अब सोचिए 9,440 में मैं बेसिक एडवांस दोनों करा देता, वास्तु में 35,000 में कराता था, अब 15,000 प्लस जीएसटी में कराता हूँ। तो ऑनलाइन में जब से एक फेज आया ना लाइफ का, इसका कोरोना का, तो समझ में आया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। फिर उस दिन से ये सोचा यार जितना हो सकता है ना लो कॉस्ट में ही कोर्स लेकर आए, कोई बात नहीं थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन कोई बच्चा ऐसा ना हो इस धरती पर या इस हिंदुस्तान में कि जो ये सोच के कोर्स छोड़ दे कि यार सर का कोर्स महंगा है ना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एक सब्जेक्ट की वैल्यू भी रह जाए, है ना, और हर कोई बच्चा कर भी पाए। तो बड़ा प्राइस से लेना, बड़ा फोकस करते हैं कि यार प्राइस ऐसा रखें कि हर बच्चा कर पाए। इसलिए मैक्सिमम कोर्स आप देखिए हमारे शॉर्ट टर्म कोर्स जितने भी हैं 1,000 से लेकर 2,000 के बीच में है, बड़े कोर्स भी आप देखिएगा 10,000 के आसपास है। सोचिए कभी सोचना, ऐसा नहीं मैं टैरो आज 35,000 का मैं टैरो पढ़ाना शुरू करूँ ना तब भी मेरे पास स्टूडेंट आए, और आज मैं 50,000 का वास्तु पढ़ाऊँ ना मेरे पास तब भी स्टूडेंट आए। लेकिन हाँ आज हम जो वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं उसमें कम आ जाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा जो नीडी है सीखना चाहता है वो ना सीख पाए। और टैरो में यकीन कर लेना आज तक प्राइस इसलिए नहीं बढ़ाया कि 9,000 प्लस स्टूडेंट में पढ़ा चुका, और जितनी ब्लेसिंग मुझे टैरो में मिली है, SSC हाउस वाइफ फीमेल जो कुछ कहती है सर हम कुछ कर ही नहीं सकते, उनको मैंने टैरो पढ़ा दिया, वो आज एंजॉय कर रही है, पैसा कमा रही है, कितनी ब्लेसिंग मिलती है सोचिए सर आप खूब सारी वीनस ब्लेसिंग्स ले रहे हो। भाई। तभी तो प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है, मैंने बताया सही ना अर्थ एनर्जी क्या है, फीमेल एनर्जी है, उनकी ब्लेसिंग तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमारा एस्ट्रो गैलेक्सी जो प्लेटफॉर्म है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है पढ़ने के लिए। हाँ मतलब पढ़ना है तो किया कराया, सीखना है तो बड़े सारे प्लेटफॉर्म है कि भाई साहब ये कर पढ़ने लो तो ये हो जाएगा, हाथ पे पढ़ाई लिख लो, वर्ड कम्बिनेशन गलत है, ये बहा दो, ये कर दो, मिरेकल नहीं होते, साइंस है, साइंस को साइंस की तरह पढ़ो, ठीक है, मिरेकल नहीं होते। मिरेकल अगर एक के साथ हो भी गया तो उसको आप ये नहीं बोलेंगे सबके साथ होता है, ये ऑकल्ट साइंस है, इसको बोलते हैं ऑकल्ट साइंस। तो ऑकल्ट भी है ये और साइंस भी है, तो उसको ना पढ़े लिखे साइंस की तरह से नजरे से देखना शुरू करो ऑकल्ट को, तो कभी मार नहीं खाओगे। और हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी ऑकल्ट मास्टर हैं जो पढ़ा रहे हैं, हर एक स्टूडेंट मतलब हर एक मेंटर जो है वो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस रखता है, सोचिए पहली बात। दूसरे सारे पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कोई 10th पास करके 12th पास करके वो पढ़ा रहा है, सब हाईली एजुकेटेड हैं, तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है। और हमारे जो भाव हैं, हम नहीं कहते हमें सारा ज्ञान है, लेकिन इतना पक्का है जो हमारे भाव हैं, हमारे मेंटोर्स के जो भाव हैं, वो किसी और प्लेटफॉर्म को आपको नहीं मिलेगा, ये पक्का है। बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करते हैं, मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, जय श्री कृष्णा बोलेंगे क्योंकि वहीं से शुरुआत है और वही अंत है, आखिर उन्हीं से मिलना जाके हमें। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री कृष्ण सर, कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण मैम।